तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें कैंटीन को दिखाया जाता है जो कि मिश्रिक्सु के मदर की कंपनी का कैंटीन था, जहाँ पर हम देखते हैं आंट सैन को जो कि लिन के मदर को कह रही होती है कि तुम्हें इन चेरीज को ट्राई करना चाहिए। उसने यहाँ पर इसे खुद के खेत में उगाया है और ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। जहाँ पर लिन के मदर इसका कोई रिप्लाई तो नहीं करती है, लेकिन वो लिन को हैरानी के साथ देख रही थी। जहाँ पर वो आंट सैन से कहती है कि वैसे ये आपके लिए लाया गया है तो मैं इसे नहीं खाने वाली। तो आंट सैन कहती है कि मेरे पास बहुत सारा है और मैं और भी खरीद लूंगी, लेकिन आपको इसे ट्राई करना चाहिए क्योंकि मेरा यकीन कीजिए यहाँ पर दूसरी चेरी से बहुत ज्यादा ही अच्छा है। तो जिस बात को सुनकर लिन के मदर भी यहाँ पर इसे खाने के लिए तैयार हो जाती है और वे उसे खाते हुए कहती है कि वाह, मैंने कभी पहले इस तरीके की स्वादिष्ट चीज को नहीं चखा। जिसके बाद आंट सैन यहाँ पर लिन से कहती है कि वैसे तुम वही थे ना जिसने की यहाँ पर क्विंग फैमिली के क्विंग यांगलिंग को पीटा था। तो इस बात को सुनकर लिन यहाँ पर शौक होते हुए कहता है कि क्या आपको इस बारे में पहले ही पता है। तो आंट सैन कहती है कि यांगजिंग कोई नॉर्मल जगह नहीं है, वहाँ पर खबरें बहुत ज्यादा तेजी से फैलती है और यहाँ तक कि उस फैमिली के हेड भी मिस्टर लू के पास गए थे इस चीज के बारे में बताने के लिए, लेकिन मिस्टर लू ने उन्हें इग्नोर कर दिया। और वैसे भी जोंघाई तुम्हारी जगह हो सकती है, लेकिन यांगजिंग कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो इस पर लिन कहता है कि इस बारे में मुझे बताने के लिए थैंक्स। तभी आंट सैन यहाँ पर लिन के मदर को देखते हुए कहती है कि इतने सालों के बाद उसने यहाँ पर अपने बेटे को देखा है और वो यहाँ पर अपने बेटे के साथ एक ही होटल के अंदर है, तो उसके दिल के अंदर बहुत सारे प्रश्न होंगे जो कि वो पूछना चाहती होगी, तो मैं यहाँ पर उसके बदले ये सब कर देती हूँ, उसे इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद आंट सैन यहाँ पर लिन से कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर फ्यूचर को लेकर बाहरी प्लान्स क्या है। जिस पर लिन कहता है कि कोई उतना खास प्लान तो नहीं है, लेकिन मैं बस फ्यूचर के अंदर पैसे कमाऊंगा और जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दूंगा क्योंकि सुअर पालना और खेती करना ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। तो आंट सैन कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मजबूत होते हो तो तुम्हें यहाँ पर अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, और वैसे भी अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए, अभी तुम्हें यहाँ पर बहुत लंबा रास्ता तय करना है। जिस पर लिन कहता है कि हाँ मुझे पता है, और वैसे भी जब तक आप यहाँ पर मेरे साथ है, मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत आखिरकार कौन ही कर सकता है, और वैसे भी जोंघाई के अंदर तो मैं इनविंसिबल हूँ। जिस बात को सुनते हुए आंट सैन कहती है कि तुम बच्चे कहीं के। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें करते हुए आ रहे होते हैं, जहाँ पर ब्लैक बालों वाली का नाम रियून होता है और पर्पल बालों वाली का नाम ली होता है। जहाँ पर रियून ली की मदर होती है और ली यहाँ पर अपनी मदर से कह रही होती है कि मदर मैंने आपको रिपोर्ट दे दी है, तो आपको इस बारे में क्या लगता है कि मैंने कैसा परफॉर्म किया। तो इस पर रियून कहती है कि हाँ तुम्हारी कंपनी सेमीकंडक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और यहाँ पर तुम्हें अभी बहुत सारे सुधार करने हैं, और यहाँ तक कि अभी भी तुम्हारे लिए बहुत लंबा रास्ता है जो कि तुम्हें तय करना है, और वैसे भी 3.8 बिलियन ये यहाँ पर बहुत ज्यादा ही है, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें इतना ज्यादा छोड़कर 2.8 बिलियन इतना ही डिमांड करना चाहिए, यही बेहतर होगा। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पर रियून को ली की मदर बता दिया था, दरअसल ऐसा कुछ नहीं है, एक माँ टाइप का सेंटेंस होता है जो कि चाइना के अंदर यूज किया जाता है सरनेम के तौर पर, तो मैंने उसे माँ को मदर समझ लिया। जहाँ पर ली रियून से कह रही होती है कि हमारी कंपनी की जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर 3.8 बिलियन की है और हमें पता है कि हम मार्केट के अंदर कहाँ पर स्टैंड करते हैं, तो आपको हमें इस तरीके से बार्गेनिंग कर इस तरीके से उलझाना नहीं चाहिए। तो इस पर रियून कहती है कि तो ठीक है, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिस्टर सन से करा देती हूँ, लेकिन बाद में तुम यहाँ पर उन्हें देखकर थोड़ा स्ट्रेंज मत फील करना, और वैसे भी जो यहाँ पर तुम्हारा प्रपोजल है वो तुमने बहुत अच्छे से राइट किया है और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसे लिंगिया ग्रुप के अंदर एक बार सबमिट कर देखना चाहिए था, वो लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो यहाँ पर 3.8 बिलियन उनके लिए कोई ज्यादा रकम नहीं है। जिस पर ली कहती है कि उसका प्रेसिडेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन है और वो यहाँ पर हर किसी को बिल्कुल भी चांस नहीं देता है खुद से मिलने का, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती थी, और वैसे भी जो कंपनी का आधे ज्यादा काम है वो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा संभाला जाता है, और मैंने यहाँ पर उनके पास प्रपोजल भेज दिया था लेकिन यहाँ पर उसका कोई खास रिप्लाई नहीं आया। जिस पर रियून यहाँ पर ली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई होगा जो कि यहाँ पर इसके ऊपर इन्वेस्ट करेगा। और बस रियून और ली यहाँ पर आपस में बातें करते हुए जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर रियून की नजर आंट सैन के ऊपर पड़ती है जो कि यहाँ पर उन्हें देखकर हैरान थी, और वो हैरान होते हुए आंट सैन से कहती है कि प्रेसिडेंट आखिरकार आप और कैंटीन में। जिस बात को सुनकर ली यहाँ पर रियून से पूछती है कि क्या यही आंट सैन है, जिस पर रियून कहती है कि क्या तुमने कभी आंट सैन को नहीं देखा है, चलो उन्हें हेलो कहो। तो ली यहाँ पर जैसे ही आंट सैन को हेलो करने के लिए चलती है तभी उसे वहाँ पर लिन दिखता है आंट सैन के साथ, और ली यहाँ पर लिन को देखने के साथ ही घबराते हुए अपने मन के अंदर कहती है कि ये शायद आइडेंटिफिकेशन वाला मैटर है क्योंकि मैंने उसके हाथों में फल देखकर उसे डिलीवरी वाला समझ लिया, पता नहीं वो क्या निकल जाए। जहाँ पर हम देखते हैं आंट सैन का रियून को लेकर रिप्लाई ये होता है कि क्या तुमने कुछ कहा, तो रियून कहती है कि क्या आप खाना खा रही है, जिसके बाद वो झावली की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये झावली है और ये यहाँ पर हाइस ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट है और वो यहाँ पर आपसे इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ बात करने के लिए आई है, तो क्या आपके पास यहाँ पर थोड़ा खाली टाइम होगा। और हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर जैसे इस बारे में सुनता है वो तुरंत ही पीछे घूमकर देखने लगता है, जहाँ पर उस लड़की को देखकर हैरान होते हुए कहता है कि अरे ये तो तुम हो, वही लिफ्ट वाली लड़की। तो इस बात पर ली यहाँ पर घबराते हुए रिप्लाई करती है कि हाँ क्या करें, दुनिया गोल है ना, तो हम फिर मिल गए। तो रियून यहाँ पर उन दोनों की कन्वर्सेशन को सुनते हुए उन दोनों से पूछती है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो हम देखते हैं कि मिस रिक्सु की मदर कहती है कि लाओ मैं तुम्हें इनका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ, ये
जहाँ पर लिंगयांग ग्रुप के सीईओ हैं। जहाँ पर ली घबराते हुए कहती है कि क्या आखिरकार दुनिया में इतने सारे बड़े लोग होने के बावजूद भी इसे वही पर्सन होना चाहिए था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पर एक दूसरे से मतलब ली यहाँ पर घबराते हुए लिन से हैंडशेक करती है। जिसके बाद ली यहाँ पर आंट सैन से कहती है कि मैं यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना चाहती आपको भोजन करते हुए, तो मैं यहाँ से चलती हूँ। जिस पर आंट सैन कहती है कि तुम यहाँ पर हमें क्यों नहीं ज्वाइन करती, तो वो लड़की कहती है कि नहीं इसके लिए थैंक्स। जहाँ पर ली के साथ जाते हुए रियून ली से पूछ रही होती है कि क्या तुम उस पर्सन को जानती हो, तो इस पर ली कहती है कि हाँ ये एक बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग चीज है, तुम इस बारे में ना जानो तो बेहतर है। जहाँ पर हम देखते हैं रियून इस बात को सुनकर गलत समझ लेती है और वो यहाँ पर ली से कहती है कि कहीं तुमने उसे कपड़े वगैरह उतारते तो नहीं देख लिया था। तो ली यहाँ पर रियून को बताती है कि बेवकूफ कहीं कि मैंने उसे ऑफर दिया था एक डिलीवरी मैन समझ कर कि वो मेरी कंपनी के अंदर आकर काम करे। तो रियून यहाँ पर इस बात को सुनकर हंसते हुए कहती है कि क्या बात है, तुम यहाँ पर अपने इन्वेस्टर को ही पैसे दोगी ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। और वैसे क्या तुमने उन्हें बात करते हुए सुना, मुझे लगता है कि लिनिया यहाँ पर सन इन लॉ है आंट सैन का। जिस बात को सुनकर ली कहती है कि वो ऐसी बात है, तो तभी मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पर इतना ज्यादा काइंड बन रहा था। तो इस पर रियून यहाँ पर ली को सलाह देती है कि वो यहाँ पर नीचे जाए और पार्किंग एरिया में लिन का इंतजार करे, क्योंकि जब लिन वहाँ पर जाएगा तब वो आराम से लिन से इन्वेस्टमेंट को लेकर बातें कर सकती है। जहाँ पर ली इस बात को सुनकर काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और वो यहाँ पर ऐसा ही करने के बारे में सोचती है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि उनका खाना पीना जो भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका था। जहाँ पर आंट सैन अभी भी पूछ रही होती है लिन से कि तुमने यहाँ पर अपने ग्रुप की इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सोचा है, तो लिन कहता है कि कुछ ज्यादा खास नहीं। जिसके बाद लिन यहाँ पर आंट सैन को बताता है कि जिस लड़की से मैं यहाँ पर लिफ्ट में टकराया था वो यहाँ पर ऐसा लगता है कि मेरे में इंटरेस्टेड है, और यहाँ तक कि उसने अपना बिजनेस कार्ड भी मुझे दिया है। जिस बात को सुनकर आंट सैन यहाँ पर हंसते हुए लिन की मदर की तरफ देखती है। तो इस चीज को देखते हुए लिन यहाँ पर अपने मन के अंदर कहता है कि क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और उसके बाद आंट सैन यहाँ पर लिन से कहती है कि जैसा कि खाना पीना हो चुका है तब हमारे काम पर चलने का वक्त है। तो इस बात को सुनकर लिन यहाँ पर खड़ा होते हुए कहता है कि तो ठीक है पहले मैं जाता हूँ। जहाँ पर लिन की मदर अभी भी लिन को जाता हुआ देखकर निराश थी और आंट सैन यहाँ पर लिन की मदर को उनके आंसुओं को पोंछने के लिए एक रुमाल ऑफर करती है। जहाँ पर लिन की मदर इसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद यहाँ पर आंट सैन कहती है कि बहुत देर हो चुकी है, हमें भी अपने काम पर चलना चाहिए। और बस उसके बाद हमारा सीन यहाँ पर पार्किंग एरिया की तरफ शिफ्ट होता है। जहाँ पर हम देखते हैं ली लिन का इंतजार कर रही थी और वो यहाँ पर लिन को देखकर लिन को हेलो कहती है। तो लिन यहाँ पर ली से कहता है कि वैसे क्या तुम मुझे अडॉप्ट करने के बारे में सोच रही हो, वैसे भी मेरे पास हाल ही में पैसे की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मुझे यहाँ पर एक महीने की कितनी सैलरी देने वाली हो। तो ली कहती है हंसते हुए कि मिस्टर लिन मजाक मत कीजिए, मेरी तो औकात ही नहीं है आपको सैलरी देने की, और अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर लिंगयांग ग्रुप से हैं तो मैं हिम्मत भी नहीं करती ऐसा कुछ कहने की। तो जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर कहता है कि तो तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहती हो। जिस पर ली कहती है कि मैं यहाँ पर आपको फिर से अपना इंटरव्यू देना चाहती हूँ, मैं यहाँ पर साई ग्रुप की जनरल मैनेजर हूँ और हमारी कंपनी चिप पैकिंग के ऊपर लगी हुई है और हम लोग यहाँ पर सेमी कंडक्टर के अंदर भी एंटर करना चाहते हैं, तो बस हम लोग यहाँ पर इसके लिए एक इन्वेस्टर को ढूंढ रहे थे। जिसके बाद वो यहाँ पर इनको फाइनेंस रिपोर्ट देते हुए कहती है कि ये हमारे कंपनी की फाइनेंस रिपोर्ट है आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इस बात को सुनकर लिन यहाँ पर कहता है उस फाइनेंस रिपोर्ट को देखते हुए कि तो मुझे तुम्हें कितना देना चाहिए। तो इस पर लिन यहाँ पर खुश होते हुए कहती है कि हमारी कंपनी यहाँ पर 3.8 बिलियन के शेयर्स को आपको दे सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसके प्राइस को लेकर आपसे थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि तो ठीक है मुझे यहाँ पर 3.8 बिलियन में 14% इक्विटी चाहिए आपके कंपनी की, तो अगर आप एग्री करती हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकूँ। जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर कहती है कि क्यों नहीं, मैं यहाँ पर इसके लिए तैयार हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं यहाँ पर आपके कंपनी के अंदर आकर इस इन्वेस्टमेंट के बारे में यहाँ पर कब बात कर सकती हूँ। जिस पर लिन कहता है कि क्यों नहीं, तुम जब चाहो मेरी कंपनी के अंदर जाकर मेरा नाम ले लेना और कह देना कि मैंने तुम्हें भेजा है, तो वही लोग तुमसे सारी की सारी बातें कर लेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर। जहाँ पर लिए देखते हुए कह रही होती है कि वाह बड़ी कंपनियां हमेशा से अलग होती है, 3.8 बिलियन इनके लिए तो हवा है। तभी हम देखते हैं ली यहाँ पर लिन को बुलाती है। जहाँ पर लिन ये सुनकर शौक होता है और वो यहाँ पर इनको ऑफर देते हुए कहती है कि वैसे मैंने डिसाइड किया है कि मेरे पास यहाँ पर एक कार है और आपको टैक्सी लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जहाँ जाना है आप मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ पर आपको छोड़ाऊंगी। और बस उसके बाद हमारा सीन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर ली ने लिन को छोड़ दिया था। और ली यहाँ पर लिन से कह रही होती है कि थैंक्स मिस्टर लिन आपको मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो लिन कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। और बस उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें खुलते हुए दरवाजे को दिखाया जाता है, जो कि हम देखते हैं दरअसल मिस्टर लू का ऑफिस था। और हम देखते हैं मिस्टर लू यहाँ पर लिन को बैठने के लिए कहते हैं, जहाँ पर लिन मिस्टर लू से पूछ रहा होता है कि तो ऑफिशियल ट्रेनिंग कब होने वाली है, मैं यहाँ पर इसका वेट कर रहा हूँ। इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि ये कल शुरू होगी और आप यहाँ पर ग्रुप ए के टीम लीडर हैं, तो आपको यहाँ पर चुनने का पहला मौका मिलेगा। जहाँ पर मिस्टर लू लिन को गर्म पानी ऑफर करते हुए कहते हैं कि अगर इस तरीके से आपकी प्रोग्रेस होती रही तो आप यहाँ पर 2 या फिर 5 सालों के अंदर एक डायरेक्टर बन जाएंगे। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही छोटी बात है, हम लोग यहाँ पर 3 साल के कम समय को कम कर सकते हैं। इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ इसका एक ही रास्ता है कि अगर मेरे साथ यहाँ पर कुछ होता है और अगर मेरी जगह पर बैठने के लिए कोई नहीं होता है तो तुम यहाँ पर अगले डायरेक्टर
डायरेक्टर बन सकते हो तुरंत। जसपाल इन खुश होते हुए कहता है कि वाह ये मेथड सही रहेगा। तो मिस्टर लू कहते हैं गुस्सा करते हुए कि बकवास करना बंद करो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम जोंघाई के अंदर ऐसा क्या कर रहे थे कि जो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं था और मुझे तुम्हें खुद इन्वाइट करना पड़ा। जसपाल इन कहता है कि मैं तो बस फल बेच रहा था, अगर मैंने उन्हें जल्दी से नहीं बेचा तो सभी सड़ जाएंगे। इसके बाद मिस्टर लू कहते हैं कि चलो मेन टॉपिक पर आते हैं, मेरे पास यहाँ पर एक हार्ड ड्राइव है और मुझे लगता है कि इसके अंदर यहाँ पर थोड़ा इशू है, तो क्या तुम यहाँ पर इसे समझ पाओगे? क्योंकि मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जेनेटिक फ्लूइड की जो रिसर्च है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल है करना, और मुझे लगता है कि उनके पास यहाँ पर इसकी गहराई में जाने का कोई भी रीजन नहीं है, तो उनके पास कोई दूसरे प्लान्स होंगे। जहाँ पर लिन भी इस बात को सुनकर कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, वैसे भी ये छोटी मोटी चीजें यहाँ पर हमारे लिए जरूरी नहीं है। इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि ओल्ड लू ने यहाँ पर आपके पास कॉल किया, मतलब मेरे पास कॉल किया था, और उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास खाली टाइम हो तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर उनके पास जरूर जाओ भले तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी हो। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि एक हाई रैंकिंग लीडर यहाँ पर मेरे से क्यों बात करना चाहते हैं, तो मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता, और वैसे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर देर हो रही है, और वैसे भी आपने जो यहाँ पर योग्यताएं हासिल की हैं ये वैसे भी बहुत ज्यादा है, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर किसी पॉजिटिव चीज को लेकर आपसे बात करना चाहते होंगे। तो इस पर लिन यहाँ पर उठते हुए कहता है कि तो ठीक है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो मिस्टर लू कहते हैं कि तो मैंने भी एड्रेस भेज दिया तुम्हारे फोन पे, और बस उसके बाद हमारा सीन वहाँ से ओल्ड लू के घर की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो मस्त चाय पी रहे थे। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो यहाँ पर किसी चीज को देखकर स्माइल करने लगते हैं, जो कि कुछ और नहीं यहाँ पर लिन था, और लिन यहाँ पर बैठते हुए उनसे पूछ रहा होता है कि ओल्ड लू क्या यहाँ पर कुछ है जिसके बारे में आप यहाँ पर मुझसे चर्चा करना चाहते हो। इस पर ओल्ड लू लिन के लिए यहाँ पर एक कप में चाय निकालते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए, इसकी चाय पत्ती बहुत ज्यादा ही रेयर है और इसे पहाड़ों में बहुत ज्यादा ही मुश्किल से ढूंढा जाता है। जिस पर लिन कहता है कि हाँ मैं इसे सूंघकर समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर बस चाय पत्ती, मुझे नहीं लगता कि ये अकेला रीजन होगा जिसके लिए आपने मुझे बस यहाँ पर बुला लिया होगा। इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि वैसे मैं जानना चाहता था कि जो आइसलैंड है उसके ऊपर तुम्हारी कंडीशन कैसी थी, और मैंने सुना कि वैंग सियाओ जी की डेथ हो चुकी है और मुझे पानी को और ज्यादा गर्म करना चाहिए था ताकि चाय पत्तियाँ पूरी तरीके से डिजॉल्व हो सके, और अगर देखा जाए तो इस वक्त यहाँ पर वाई फैमिली है जो कि केपेबल है यहाँ पर जेनेटिक फ्लूइड को बनाने के लिए, तो तुम यहाँ पर दोनों फैमिलीज की क्षमताओं को किस तरीके से देखना चाहोगे? जिस पर लिन कहता है कि मेरा नजरिया यहाँ पर इस बारे में ये है कि वैंग सियाओ जी यहाँ पर इस चीज के अंदर वाई फैमिली से नीचे था, लेकिन वो फिर भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका था, तो इसलिए यहाँ पर इस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वाई फैमिली की ताकत की और विरासत की बस एक झलक देखी है, और अभी तक हमने ये नहीं देखा है कि उन्होंने यहाँ पर अपने भीतर कितना कुछ छिपा रखा है। जिसके बाद ओल्ड लू कहते हैं कि तुम यहाँ पर टीम एक के टीम लीडर हो, तो तुमने इसके बारे में क्या सोचा है? जिस पर लिन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मुझे बस ऐसे कुछ मेंबर चाहिए जिनके साथ मेरा टीम वर्क बेहतर हो सके, और फिलहाल के लिए देखते हैं कि मैं यहाँ पर बस मिशन को कम्प्लीट करूंगा नॉर्मली अपनी पावर का इस्तेमाल करके। इस पर ओल्ड लू कहते हैं कि तुम छोटे बच्चे कहें कि तुम दिन ब दिन और ज्यादा बकवास करना सीख रहे हो। जिसके बाद ओल्ड लू खड़े होते हुए कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। जिस पर लिन कहता है कि आखिरकार ये कौन हो सकता है, क्या ये कोई खास पर्सन है? और उसके बाद हमारा सीन यहाँ पर ओल्ड लू के ग्राउंड की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लिन को लेकर जाते हुए कह रहे थे कि मैं तुम्हें किसी ऐसे से मिलवाऊंगा जो कि थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, बस तुम्हें ये पता लगाना है कि वो कितना स्ट्रांग है। तो इस पर लिन पूछता है कि जो आगे भीड़ खड़ी है क्या वो यहाँ पर इससे जुड़ी हुई है, और हम देखते हैं कि जब लिन यहाँ पर ओल्ड लू के साथ बातें कर रहा होता है तभी कुछ लोग यहाँ पर पीछे पलट कर लिन को देखने लगते हैं, और जैसे ही उनकी नजर ओल्ड लू के ऊपर पड़ती है वो लोग यहाँ पर खुद ही ओल्ड लू को आगे जाने की जगह दे देते हैं। जहाँ पर ओल्ड लू आगे आते हुए कह रहे होते हैं कि उसका लेवल बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, और ओल्ड लू यहाँ पर एक पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि यहाँ पर एक हाथ से वेट को लिफ्ट कर रहा होता है और दूसरे हाथ से बॉडी को, और ओल्ड लू यहाँ पर उसके बारे में बताते हैं कि ये यहाँ पर मेरे फ्रेंड का सन है जिसका नाम यहाँ पर कियांग सू है, और वैसे भी देखा जाए जो यहाँ पर इसका लेवल है मुझे नहीं लगता कि ये इतना भी ज्यादा कम है। जिस पर लिन यहाँ पर सू कियांग को देखते हुए अपना ओपिनियन देता है कि वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बेहतर है, लेकिन वो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिए गए इक्विपमेंट से ज्यादा बेहतर इक्विपमेंट से खुद को तैयार कर रहा है, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर कभी भी एक्सपीरियंस की जगह नहीं ले सकती, और वैसे भी देखा जाए तो मुझे लगता है कि इसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हैं। इस पर मिस्टर लू कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर ट्रेनिंग की सब कुछ नहीं होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा ही है, और वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर उसे अपने ग्रुप के अंदर शामिल करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि वो एक बेहतर कैंडिडेट के तौर पर साबित हो सकता है। जिस पर लिन कहता है कि कल यहाँ पर ट्रायल का दिन है और मुझे लगता है कि अगर उसे यहाँ पर मेरे टीम के अंदर आना है तो उसे यहाँ पर पहले उस ट्रायल को क्लियर करना होगा और उसे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जिस पर ओल्ड लू कहते हैं कि तुम बच्चे कहेंगे, तो लिन कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम सीरियस हूँ इस बारे में। तो इस पर ओल्ड लू कहते हैं कि तो ठीक है अगर तुम यहाँ पर सीरियस हो तो मैं भी सीरियस हो जाता हूँ, चलो एक दूसरे के बीच में स्पार्क करवाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ओल्ड लू के कुछ फ्रेंड्स आ रहे होते हैं जहाँ पर एक पर्सन कहता है ओल्ड लू से कि आपने देखा मेरा ग्रैंडसन कितना बेहतर कर रहा है। जिस पर ओल्ड लू कहते हैं कि हाँ वो बेहतर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर इनसे मिलो, ये यहाँ पर मिस्टर लिन है टीम ए के टीम लीडर जिनको आपके ग्रैंडसन का परफॉर्मेंस उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं लगा और वो चाहते हैं कि आपका ग्रैंडसन कल ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करे। तो इस पर वो पर्सन लिन को देखते हुए कहता है कि ये यहाँ पर टीम ए का टीम लीडर है, लेकिन आखिरकार ये इतना यंग क्यों है? जहाँ पर वो पर्सन लिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि टीम लीडर मैं यहाँ पर जानना चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंडसन की यहाँ पर ऐसी क्या क्वालिटीज है जो कि आपको सेटिस्फाई नहीं
नहीं कर पाई। जसपलिन यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि अरे नहीं नहीं आप यहाँ पर मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने कब कहा कि वो यहाँ पर बेकार है। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर अभी और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है और अभी उसे थोड़ा और इम्प्रूव होना है, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर उसे जरूरत है ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट कर दूसरों के साथ कॉम्पिटिशन कर उन्हें हरा कर यहाँ पर फर्स्ट रैंक को हासिल करने की। जिस पर वो ओल्ड पर्सन कहता है कि तो ठीक है क्यों नहीं हम लोग यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक ऑफिशियल ट्रायल कॉम्पिटिशन रखे और यहाँ पर ये पता करे कि क्या वो सच में यहाँ पर इतना ज़्यादा बेकार है। और बस वो ऐसा कहने के साथ ही वो यहाँ पर अपने बेटे सू को बुला लेते हैं, जहाँ पर सू भी अपने डैड की बात को सुनकर अपने डैड के पास आते हुए कहता है कि आखिरकार क्या हुआ। तो इस पर सू के फादर बताते हैं कि ये यहाँ पर टीम लीडर हैं और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका लेवल इतना ज्यादा बेहतर नहीं है और अगर आपको यहाँ पर इनकी टीम के अंदर आना है तो आपको और ज्यादा बेहतर करना होगा। जिस बात को सुनकर सू यहाँ पर शॉक होता है और गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसे कैसे लगता है कि मेरा लेवल यहाँ पर आखिरकार इतना ज्यादा बुरा कैसे हो सकता है। जहाँ पर सू गुस्सा करते हुए लिन से कहता है कि तुम यहाँ पर भले टीम लीडर हो लेकिन यहाँ पर तुम्हारी तुलना मेरे साथ भी नहीं की जा सकती, तो तुम यहाँ पर मुझे परखने की बात कैसे कर सकते हो। जहाँ पर मिस्टर लू भी इस बात को सुनते हुए कहते हैं कि हाँ तुम्हें उसे दिखाना चाहिए कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है। जहाँ पर सू के फादर भी बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें एक बेहतर कंपेनियन चाहिए तो तुम्हें यहाँ पर उसके लिए लायक भी बनना होगा। जहाँ पर सू भी कॉन्फिडेंट के अंदर आ जाता है और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि आप चिंता मत कीजिए मैं उसे डिफीट कर दूंगा भले ही वो यहाँ पर एक टीम लीडर हो, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कमजोर से दिखने वाला इंसान मेरी स्ट्रेंथ के आगे कुछ नहीं है। जहाँ पर उसके फादर भी कहते हैं कि हाँ तुम कुछ हद तक तो सही हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर पूरी तरीके से सही हो, क्योंकि वो यहाँ पर टीम ए का टीम लीडर है और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर किसी न किसी वजह से तो होगा टीम लीडर। तभी लिन यहाँ पर उन्हें रोकते हुए कहता है कि बंद करो अपनी ये बकवास की बातें, अगर तुम यहाँ पर मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अपनी टीम लीडर की जो पोजीशन है मैं यहाँ पर उसे तुम्हें सौंपने के लिए तैयार हूँ। तो इस पर सू के फादर यहाँ पर अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि ये बच्चा यहाँ पर इतना जल्दी कैसे मान गया, लगता है कि कुछ यहाँ पर अजीब है या फिर ऐसा हो सकता है कि ये यहाँ पर सू से बहुत ज्यादा पावरफुल हो। जहाँ पर हम देखते हैं सू भी आगे बढ़ते हुए लिन से कह रहा था कि चलो देख लेते हैं कि आखिरकार कौन कितना बेहतर है। जिस पर लिन कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ट्रायल के अंदर मेन चार राउंड होने वाले थे लेकिन हम दो पर ही फोकस करते हैं। उसके बाद लिन यहाँ पर ओल्ड लू से पूछता है कि वैसे क्या तुम सभी के पास गन है। तो इस पर साई कहता है कि आज हमारी कोई शूटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो हम लोग यहाँ पर उसे लेकर नहीं आए हैं, लेकिन आखिरकार तुम मुझे बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कितने की जरूरत है। जिस पर लिन कहता है कि ज्यादा नहीं बस तुम दो लेकर आ जाओ वही उतना बहुत रहेगा। तो इस बात को सुनकर साई यहाँ पर मिस्टर लू की तरफ देखता है तो मिस्टर लू भी यहाँ पर इसके लिए एग्री कर देते हैं। और जिसके बाद हमारा सीन यहाँ पर थोड़ी देर बाद का शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लोग बंदूक लेकर आ गए थे। जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन लिन को बंदूक दे रहा था ट्रायल के लिए, तो इसे देखकर लिन यहाँ पर बंदूक के साइन को अपने सर की तरफ बनाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई निशानेबाजी वाला पर्सन नहीं चाहिए बल्कि मैं यहाँ पर एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जो कि यहाँ पर बुलेट को डॉच कर सके। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिन की बात को सुनकर मिस्टर लू के साथ सभी लोग शॉक हो जाते हैं और उसके बाद मिस्टर लू यहाँ पर गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं कि आखिरकार तुम प्लान क्या कर रहे हो। तो जिस पर लिन कहता है कि मैं यहाँ पर सोच रहा था कि दो लोग यहाँ पर हमारे ऊपर गोलियां चलाएंगे जिसे कि हमें डॉच करना है। तो इस बात को सुनकर ओल्ड लू कहते हैं कि ये एकदम बकवास है। तो लिन कहता है कि बुरे वक्त के अंदर कुछ भी काम आता है। तो इस बात को सुनकर मिस्टर लू कहते हैं कि हम यहाँ पर इस तरीके के टेस्ट को लाइव बंदूक के साथ नहीं करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं फेक बुलेट का उसके अंदर। जहाँ पर वो साई को कहता है पेंट बुलेट ले आने के लिए और उसी के थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं वो लोग तैयार थे टेस्ट के लिए। जहाँ पर बंदूक चलाने वाले वो गार्ड्स कह रहे थे कि क्या तुम लोग रेडी हो। तो इस पर हम देखते हैं लिन और साई को जो कि यहाँ पर दोनों एक साथ ही एग्री करते हैं इसके लिए। और बस इतना कहने की देर थी वो गार्ड भी यहाँ पर बंदूक तान कर उनके ऊपर शूटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं पहली बुलेट लिन के पास से निकलती है और लिन यहाँ पर इसे डॉच कर लेता है, लेकिन हम देखते हैं इस पर्सन को जो कि यहाँ पर बुलेट को देख नहीं पाता है और वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता है टाइम पर और इसे हेड पर एक प्रॉपर हेड शॉट लगता है बुलेट से। और ये बुढ़ा ये देखते हुए कह जाता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने यहाँ पर बस सर को घुमाकर उसे डॉच किया। जहाँ पर साई अपने घुटनों पर आ जाता है और वो लिन से पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुमने इसे कैसे किया। और वो इसी के साथ यहाँ पर लिन से कह रहा है कि ऐसा करना नामुमकिन है जब तक कि तुम यहाँ पर बुलेट जितने फास्ट ना हो। जिस पर लिन कहता है कि मेरी स्पीड यहाँ पर बुलेट जितना होना, मैं यहाँ पर कोई स्टोनिक तो नहीं हूँ लेकिन ये भी पक्का नहीं है कि मैंने यहाँ पर उसे बस तुक्के से डॉच किया था। जिस बात को सुनकर ये पर्सन कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन तुमने जो किया है ये यहाँ पर कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन ने यहाँ पर गोली चलाई थी उसके साथ यहाँ पर ये कुछ क्लियर नहीं था कि वो यहाँ पर बुलेट को कब फायर करने वाला है, तो इस वजह से ये कोई तुक्का तो हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं यहाँ पर पहला राउंड बहुत बुरी तरीके से हार गया हूँ, लेकिन मैं भले ही यहाँ पर पहला राउंड हार चुका हूँ लेकिन मैं यहाँ पर दूसरा राउंड डिसाइड करूंगा कि ये राउंड यहाँ पर स्ट्रेंथ को लेकर होगा, जो यहाँ पर सबसे भारी चीज को उठाएगा वही विजेता होगा, क्योंकि जो छोटी सी बुलेट है वो यहाँ पर मेरी क्वालिफिकेशन को बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकती।
थी। और भले ही मैं यहाँ पर पहला राउंड ना जीत पाया हूँ, लेकिन दूसरा राउंड यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं बहुत ज्यादा आसानी से कर सकता हूँ और इसके अंदर कोई भी मुझे नहीं हरा सकता। और वैसे भी अभी भी हमारी शर्तें यहाँ पर इक्वल है कि अगर आप यहाँ पर मुझे हरा देते हैं सारे के सारे राउंड के अंदर, तो आपको यहाँ पर अपने टीम लीडर की पोस्ट यहाँ पर मुझे नहीं देनी होगी। और हम देखते हैं कि जब तक साई यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा होता है, लेकिन लिन यहाँ पर कुछ और ढूंढ रहा था। जहाँ पर हम देखते हैं लिन की नजर यहाँ पर पड़ती है टैंक के ऊपर, और लिन इसे देखते हुए कह रहा होता है कि ये बेहतर है। और बस इसके बाद लिन यहाँ पर उसे अपने एक हाथ से ही लिफ्ट कर लेता है, और बाकी लोग इसे देखते हुए कह रहे होते हैं कि हे भगवान, सच में आखिरकार किसी इंसान के अंदर इतनी ताकत कैसे आ सकती है? कहीं कोई इंसान के भेष में राक्षस वगैरह तो नहीं है? जहाँ पर ये दोनों बाप बेटे भी घबरा रहे होते हैं और इनके मन के अंदर शब्द नहीं होता है कि ये कुछ कह सके। और साई यहाँ पर घबराते हुए अपने फादर से कहता है कि क्या मैं जीत पाऊंगा? तो उसके फादर कहते हैं कि इसका कोई चांस ही नहीं है कि तुम यहाँ पर जैसे राक्षस के सामने जीत भी पाओ। तभी यहाँ पर साई के फादर यहाँ पर ओल्लू से कहते हैं कि आपने उसे बस एक नॉर्मल सा पर्सन बताया था, लेकिन वो तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन है जिसे कि हम भी यहाँ पर हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को सुनकर ओल्लू कहते हैं कि वो टीम ए का टीम लीडर है, तो तुम्हें यहाँ पर उसे इतना तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो तुम्हारे सन ने भी यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा किया, और देखा जाए उसके टैलेंट के बारे में तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छा है। बस वो अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता है तो वो यहाँ पर लिन से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। तभी लिन यहाँ पर कहता है कि अगर आप लोग यहाँ पर हार मान लेते तो यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा आसानी से खत्म हो जाती, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जो ट्रायल ट्रेनिंग है वो यहाँ पर सुबह 8 बजे शुरू होने वाली है, तो अगर तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर ये तुम्हारे ऊपर है। जहाँ पर साई इस बात को सुनकर लिन को सल्यूट करते हुए कहता है कि क्यों नहीं सर, मैं वहाँ पर टाइम से पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद वो सभी यहाँ पर एक दूसरे से बात कर चले जाते हैं। और फिर जो हमारा सीन है वो यहाँ पर थोड़ी देर बाद का शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ओल्ड लू को जो कि लिन से पूछ रहे थे कि आखिरकार तुम्हें उस पर्सन के बारे में क्या लगता है। जिस पर लिन कहता है कि मुझे लगता है कि वो पर्सन यहाँ पर एकदम साफ दिल का है, क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी डिफीट को स्वीकार किया और वो बिना लड़े हार भी नहीं मानता। ऐसे लोगों की यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत है, बट उसके अंदर बस एक ही प्रॉब्लम है कि उसका दिमाग यहाँ पर थोड़ा सा कम चलता है। जिस पर ओल्ड लू कहते हैं कि हाँ वो थोड़ा कम चतुर है, लेकिन यहाँ पर तुम जहाँ तक उसकी ट्रेनिंग की बात करो तो तुम यहाँ पर पाओगे कि उस जैसे पर्सन जितनी ट्रेनिंग यहाँ पर हर कोई नहीं कर सकता। जहाँ पर लिन इसे सुनते हुए कहता है कि हाँ आपकी बातें यहाँ पर थोड़ा बहुत सेंस बना रही है। जिस बात को सुनकर मिस्टर लू कहते हैं कि जब मैंने सुना कि तुम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से कोई काम नहीं लेना चाहते हो, तब मुझे पता लग गया कि तुम यहाँ पर टीम ए को बिल्ड नहीं करना चाहते हो, जिस वजह से मैंने यहाँ पर खुद एक मेंबर सेलेक्ट किया तुम्हारे लिए। जिस पर लिन कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर ये नहीं करना चाहता, दरअसल मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरे प्रीसियस फलों को भी बेचना होता है जो कि खराब ना हो जाए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये सब कुछ जल्दी से करूँ तो आपको यहाँ पर इसे खुद ही खरीदना होगा। जिस बात को सुनते हुए ओल्ड लू कहते हैं कि तुम बच्चे यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ही स्मार्ट हो, क्योंकि तुम यहाँ पर फल बेचकर दिखाना चाहते हो कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, लेकिन तुम तो यहाँ पर एक बहुत बड़े बिलियनर हो, तो तुम्हारे पास तो यहाँ पर फलों को बेचने से भी ज्यादा बहुत जरूरी काम हो सकते हैं। जिस पर लिन कहता है कि हाँ मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, और चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ अंदर जाने में। जहाँ पर लिन ओल्ड लू के दरवाजे को नॉक करने लगता है ओल्ड लू को अंदर ले जाने के लिए, और हम देखते हैं कि दरवाजे को नॉक करने के बाद यहाँ पर मिस लू दरवाजे को खोलती है। और मैंने पहले यहाँ पर मिस लू कह दिया है, तो आप समझ ही सकते हैं जहाँ पर वो कह रही होती है कि लिन आखिरकार ये तुम हो। जिस पर ओल्ड लू भी कहते हैं कि हाँ ये यहाँ पर लिन ही है, और ये यहाँ पर हमारे साथ आज के डिनर के लिए आया है। तो जिस बात को सुनकर मिस लू कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है, तुम यहाँ पर अंदर आओ, मैंने यहाँ पर बहुत कुछ प्रिपेयर किया है, और अगर हो सके तो तुम यहाँ पर पूरा डिनर कर ही जाना। और हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर ये देखते हुए कह रहा होता है कि मैं इस ओल्ड लेडी से बहुत मतलब पहली बार मिला हूँ, लेकिन ये मुझे देखकर आखिरकार ये यहाँ पर इतनी ज्यादा खुश क्यों है। तभी लिन यहाँ पर आंट से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर पहले ही आफ्टरनून में डिनर कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर अभी डिनर नहीं कर सकता। जिस बात को सुनकर मिसलू कहती है कि फिर तो मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं रोकने वाली, लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम हो कभी भी तो तुम यहाँ पर हमारे साथ नाश्ते के लिए तो आ ही सकते हो। जहाँ पर लिन भी इसके लिए एग्री करते हुए वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर लिन बाहर आते हुए कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों बट वो लेडी बहुत ज्यादा अजीब थी, ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर मेरी कोई फैमिली रिलेटिव है और वो यहाँ पर मुझे किसी ग्रैंडसन की तरह देखती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिन के पास यहाँ पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो इस चीज के लिए था कि लिन यहाँ पर जो मिस्टर लू से कह रहा था अपने फलों को बेचने को, मिस्टर लू ने यहाँ पर सच में किसी पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट कर दिया होता है। जहाँ पर वो पर्सन अभी लिन के साथ कॉन्टेक्ट करते हुए कहता है कि हम यहाँ पर आपके फलों को खरीदने के लिए तैयार है, आपके पास कोई स्पेशल कंडीशन है? जिस पर लिन कहता है कि नहीं, दरअसल मुझे यहाँ पर एक स्टॉल लगाना है वैंग फू जी सेक्टर में, तो क्या तुम यहाँ पर इस चीज के अंदर मेरी मदद कर पाओगी? जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ मैं जल्दी यहाँ पर किसी स्टॉल के लिए बेहतर सी जगह का बंदोबस्त करती हूँ, और मैं वीचैट पर यहाँ पर उसकी लोकेशन आपके पास भेज दूंगी, जिसके बाद आप यहाँ पर आराम से उसके स्टॉल को लगा लीजिएगा। जहाँ पर लिन भी इसके लिए तैयार हो जाता है, और उसके बाद हमारा सीन यहाँ पर वैंग फू सेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाई जाती है एक पुरानी सी बस, जिसके अंदर से लिन यहाँ पर अपने वाटर मेलन्स को लेकर निकलता है, और वो यहाँ पर किसी पर्सन की तरफ देखता है जो कि एक टैक्सी वाला था। और हम देखते हैं कि वो टैक्सी वाला यहाँ पर दरअसल एरिया मैनेजर की तरफ से आया था, जो कि यहाँ पर लिन से कहता है कि यार सर आप यहाँ पर वही हैं जो कि यहाँ पर स्टॉल लगाने वाले थे,
क्योंकि मैं बस यहाँ पर आपको आपके स्टॉल की जगह को बताने के लिए आया हूँ। जसपर लिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन क्या तुम थोड़ा मेरे फलों को पकड़ोगे। जसपर लिन के फल को पकड़ते हुए कहता है कि हाँ सर ये तो ठीक है, लेकिन आइए मैं आपको जगह दिखा देता हूँ पहले। जसपर लिन कहता है कि नहीं नहीं हमें यहाँ पर कोई जगह वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर इसे पकड़ो, हम लोग सीधा वहाँ पर अपने सारे फलों को लेकर चलेंगे वहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए। जसपर पर्सन भी कहता है कि ठीक है मेरे पास यहाँ पर गाड़ी है तो हमारे लिए यहाँ पर ही मुश्किल नहीं होने वाला। और बस उसके इतना कहने के साथ ही लिन यहाँ पर लीचे के दो चार बॉक्सेस को निकालता है। और बस उसके बाद हमारा सीन यहाँ पर थोड़ी देर बाद का शिफ्ट होता है जहाँ पर लिन ने अपना स्टॉल लगा लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि लिन के स्टॉल की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है कि क्या वो जो लड़का वहाँ पर फल बेच रहा है क्या वो बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं है। तो हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के साथ ये पर्सन कहता है कि हाँ सुंदर होने के भी बहुत सारे फायदे होते हैं, यहाँ तक कि वो पर्सन फल बेच रहा है लेकिन वो फिर भी यहाँ पर आपकी अटेंशन को ग्रैब कर पा रहा है, लेकिन वो फिर भी आपके लिए एक जोड़ी जूते भी नहीं खरीद पाएगा भले ही वो अपने पूरे महीने की सैलरी का इस्तेमाल क्यों ना कर ले। जिस पर ये लड़की कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन यहाँ पर उसके फल बहुत ज्यादा ही ताजे हैं, तो क्या हमें थोड़ा जाकर वहाँ पर खरीद नहीं लेना चाहिए। और वैसे भी मुझे बहुत वक्त हो चुका है ताजे फलों को खाए हुए, क्योंकि आखिरी बार मैंने अपनी डाइट के वक्त खाया था इसे। और उसके बाद वो लोग यहाँ पर इनके स्टॉल पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उन फलों को देखते हुए हैरान होता है, जहाँ पर उसका भी दिल हो जाता है एक फल को चखने का, जहाँ पर वो फल को चखते हुए कह रहा होता है कि हाँ ये स्वादिष्ट तो है। जिस बात को सुनकर ये लड़की भी कहती है कि हाँ मैंने कहा था ना कि फ्रेश दिखने वाले फ्रूट बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इस बात को सुनकर वो लड़का यहाँ पर लिन से कहता है कि आप मेरे लिए यहाँ पर 5 किलो पैक कर दीजिए। तो जिस पर लिन यहाँ पर अपने QR कोड को आगे करते हुए कहता है कि तुम पेमेंट कैसे करोगे, ऑनलाइन कैश या फिर कार्ड, क्योंकि 1 किलो का यहाँ पर 3,000 युआन होता है और तुम्हारा यहाँ पर कुल मिलाकर 15,000 युआन हुआ है। जिस बात को सुनकर ये लड़का यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि तुम किस तरीके की नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो, तुम यहाँ पर 300 युआन की चीज यहाँ पर 3,000 युआन में बेच रहे हो। जिस पर लिन कहता है कि इसका प्राइस यहाँ पर इतना ही है और ये यहाँ पर दूसरे फलों के मुकाबले बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, जहाँ तक कि तुमने इसे टेस्ट किया है तो तुम्हें भी ये बात रियलाइज हो चुकी होगी। तो इस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है कि क्या तुमने मुझे यहाँ पर खाता हुआ देखकर कीमत को बढ़ा दिया, मुझे पता है कि ये सब यहाँ पर तुम्हारे फ्रॉड करने का तरीका है लेकिन ये सब यहाँ पर नहीं चलने वाला। जिस पर लिन कहता है कि मुझे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी यहाँ पर तुमने इसे खाया है तो तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे, और मैंने तो तुम्हें इसे खाने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते और इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम्हें यहाँ पर कोई जरूरत भी नहीं है इसे खरीदने की, और वैसे भी जो तुमने एक लीची खाई है उसका प्राइस यहाँ पर 100 युआन है। जिस बात को सुनकर ये पर्सन यहाँ पर एक क्रीपी से स्माइल करते हुए कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि तुम गलत हो, तो क्या तुम इसके बावजूद भी यहाँ पर हमसे पैसे लेने की हिम्मत करोगे। तभी उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर उससे कहती है कि ओए तुम यहाँ पर फिजूल की हरकतें करना बंद करो और उसे पैसे दे दो उसके, हम यहाँ से चलते हैं। जिस पर वो पर्सन कॉल करते हुए कहता है कि वैसे मेरे पास अभी पैसे नहीं है लेकिन मैं यहाँ पर मेरे दोस्त के पास कॉल करता हूँ, वो यहाँ पर खुद आकर इस सेलर को पैसे दे देगा, और जैसा कि तुमने यहाँ पर एक नया स्टॉल खोल रखा है तो मैं यहाँ पर उसे कॉल कर बताता हूँ, तो वो कुछ मिनट के अंदर तुरंत यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा कुछ जरूरी काम के लिए। जहाँ पर वो किसी पर्सन के पास कॉल करते हुए कहता है कि भाई यहाँ पर इस पर्सन ने आपसे बिना पूछे यहाँ पर स्टॉल लगाने की हिम्मत की है, तो आखिरकार आप कहाँ पर हैं, यहाँ जल्दी आइए। तभी लिन भी यहाँ पर उस लड़के से कहता है कि तो ठीक है जब तक तुम्हारा भाई आ रहा था तो तुम मेरे स्टॉल से कहीं जाना मत। जहाँ पर हम देखते हैं वो पर्सन कोने में आ गया होता है और वो अपने भाई से कह रहा होता है कि ब्रदर चैन, ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो पर्सन किसी पुलिस वाले का रिलेटिव है जो कि यहाँ पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो आपको यहाँ पर अकेले आने की बजाय यहाँ पर एक से ज्यादा लोगों को लेकर आना चाहिए। तो इस बात को सुनते हुए वो लड़की कह रही होती है कि क्या 100 युआन के लिए इतना ज्यादा आगे जाना क्या सही रहेगा। तो हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर वो लड़का कहता है कि ये बात यहाँ पर पैसे की नहीं है बल्कि ये बात यहाँ पर प्राइड की है, और उसकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर मेरे ही एरिया के अंदर आकर इस तरीके का फ्रॉड करने की। और हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर ब्रदर चैंग अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आए होते हैं और वे इस पर्सन से पूछते हैं कि तो तुमने जिसके बारे में बताया था आखिरकार वो पर्सन है कहाँ पर। तो इस पर ये पर्सन यहाँ पर ब्रदर चैंग को बताता है कि वो रहा वो स्टॉल वाला, उसने यहाँ पर सिर्फ एक लीची के लिए यहाँ पर 100 युआन लेने की कोशिश की है और वो और ज्यादा महंगा अपने फलों को बेच रहा है। जहाँ पर ब्रदर चैंग लिन के सामने जाते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम दिलचस्प हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर किसी को इस तरीके से यहाँ पर लूटने की, और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर लिन कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता लेकिन आपके भाई ने कहा था कि आप पेमेंट करने वाले हैं, तो कैश या फिर QR। जिस बात को सुनकर वो पर्सन कहता है कि क्या तुम यहाँ पर अपने फलों को 3,000 युआन में बेच रहे हो। और ऐसा कहने के साथ ही हम देखते हैं चैंग को जो कि यहाँ पर लात मारकर लिन के फलों को नीचे गिरा देता है, और वो उन फलों को कुचलते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन फलों के अंदर ऐसा क्या खास है जो कि इतने महंगे हैं, और वैसे भी जो कुछ मैंने अभी अभी किया क्या तुम यहाँ पर इससे सेटिस्फाई हो या फिर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर ऐसा ही तुम्हारे बाकी के फलों के साथ करूँ। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि वाह तुम कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया। तो इस पर चैंग कहता है कि तो बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या यहाँ पर मुझे मारोगे, ये लो मारो मुझे, क्योंकि वैसे भी अगर तुम यहाँ पर इससे सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो, मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कितनी ज्यादा बेहतर स्ट्राइक कर पाते हो। मुझे पता था कि तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, वैसे भी अभी के लिए हम जा रहे हैं लेकिन अगर बाद में वो हमने तुम्हें वो चीजें करते हुए देख लिया था हम तुम्हें बहुत बुरी तरीके की पनिशमेंट देंगे। तभी लिन
आगे आते हुए कहता है कि पनिशमेंट, ये मुझे लगता है कि एक अच्छा सेंटेंस है। और बस ऐसा कहते हुए लिन यहाँ पर पलक झपकते हैं उसके फेस के ऊपर एक पंच करता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चेंग यहाँ पर लिन के एक पंच में ढेर हो चुका था, जहाँ पर वो इसके बाद अपने लोगों को ऑर्डर करता है लिन को मारने के लिए। तो इस बात को सुनकर लिन यहाँ पर एक चाकू को निकालते हुए कहता है कि देखते हैं कि तुम यहाँ पर कितने ज्यादा पीसेस में कटना यहाँ पर डिजर्व कर पाते हो। और वैसे भी तुम लोग यहाँ पर मुझे इस तरीके से मत देखो जैसा कि तुमने कभी किसी इंसान को हाथ में चाकू पकड़े ना देखा हो। लेकिन हम देखते हैं चेंग और बाकी सभी लोगों की चाकू को देखकर ही फट गई होती है, जहाँ पर चेंग लिन से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर हमसे कोई गलत फहमी हो गई है, और वैसे भी मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ साथ बैठकर बात करनी चाहिए। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जो तुमने यहाँ पर मेरे 60 किलो फ्रूट को बर्बाद किया है उसका प्राइस यहाँ पर 1,80,000 होता है, तो तुम मुझे पेमेंट किस तरीके से करना चाहोगे। तो हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर चेंग किसी तरीके से अंत में डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर पेमेंट करेगा। और पेमेंट करने के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर लिन कह रहा होता है कि इतनी बड़ी डील के लिए धन्यवाद, और अगर आपके पास दोबारा वक्त होता है तो आप मेरी शॉप पर जरूर आइएगा। और उनके जाने के कई घंटों बाद का सीन यहाँ पर हमारा शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन के स्टॉल के सामने एक कार जो कि वहाँ पर आकर रुकती है, और हम देखते हैं कि ये कार यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि यहाँ पर आंट सैन की होती है, जो कि यहाँ पर लिन की मदर के साथ यहाँ पर उस कार से बाहर आती है, जो कि हम देखते हैं लिन के स्टॉल के पास आते हुए कह रही होती है कि वाह मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर होगे, क्योंकि वैसे भी मैंने सुना था कि तुम जोंघाई के अंदर फल को बेच रहे हो, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर मिलोगे मुझे जोंघाई के अंदर फल बेचते हुए। जिस पर लिन कहता है कि मैं बस यहाँ पर आत्मनिर्भर होने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर आज ही शिफ्ट हुआ हूँ। जिस पर मिस रिक्सो की मदर कहती है कि लिंगयांग ग्रुप यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप है, और यहाँ तक कि अगर तुम वहाँ पर जाकर बैठते भी हो तो भी यहाँ पर तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, और तुम वैसे भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, तो यहाँ पर बकवास की बातें करना बंद करो। और वैसे भी लगभग 7 बज चुके हैं और डिनर का टाइम भी हो रहा है, तो क्या हमारे साथ तुम चलोगे? और वैसे भी मैंने यहाँ पर एक जगह के बारे में सुना है जहाँ पर बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है, तो क्या तुम हमें यहाँ पर ज्वाइन करना चाहोगे उस जगह को आजमाने के लिए? और वैसे भी मैंने यहाँ पर मिस रिक्सो से सुन रखा है कि तुम यहाँ पर खाना बनाने में भी बहुत ज्यादा अच्छे हो, तो क्या तुम यहाँ पर अपनी थोड़ी सी स्किल्स हमें नहीं दिखाने वाले? वैसे भी तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर उस होटल के मालिक को जानती हूँ, तो तुम्हारे लिए सारी चीजों को प्रिपेयर कर देगा। जिस बात को सुनते हुए लिन कहता है कि हाँ क्यों नहीं मैं कोशिश करूंगा, लेकिन तभी लिन की मदर यहाँ पर एंडरसन से कहती है कि आप उसे दोबारा खाने के लिए क्यों बुला रही है, क्योंकि वैसे भी ऐसा हो सकता है कि उसके पास भी यहाँ पर करने के लिए कुछ जरूरी काम हो। तो इस पर एंडरसन कहती है कि मैं बस इतना ही चाहती थी कि आप यहाँ पर उसके खाने को एक बार टेस्ट करें, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर उसके खाने को टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मैंने सुन रखा है कि वो बहुत सुंदर भोजन बनाता है। जहाँ पर लिन उनकी बातों को सुनते हुए बस अपने सामान को रख रहा होता है उसी बस में, और सारे सामान को यहाँ पर रखने के बाद लिन यहाँ पर कहता है कि अब वक्त है खाने के लिए चलने का। जिस पर आंट सैन कहती है कि हाँ क्यों नहीं तुम बस मेरे पीछे आओ, जहाँ पर हम देखते हैं लिन यहाँ पर अपनी उस बस को लेकर आंट सैन के पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन हमें उस बस के पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर एक और कार थी जो कि उनका पीछा कर रही थी, जहाँ पर हमें उस कार के अंदर एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम यहाँ पर क्विंगयांग फू होता है, जो कि शायद यहाँ पर आंट सैन का पीछा कर रहा था या फिर लिन का। तभी हम देखते हैं वो ड्राइवर यहाँ पर क्विंगयांग से कहता है कि जहाँ तक हम लोग यहाँ पर उसके पीछे आए थे ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटमेंट को लेकर, और हमें लगा था कि वो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने पास रखे होगा, लेकिन वो तो यहाँ पर फल बेच रहा है, ये तो कितना ज्यादा ही। तो आगे की बात को पूरा करते हुए क्विंगयांग कहता है कि हाँ मुझे भी पता है कि बहुत बुरा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर खुद इस चीज को कन्फर्म नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग भी पीछे नहीं हट सकते, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर लिन को इससे कोई आपत्ति होगी, और वैसे भी हमारे पास जैसे ही मौका होगा हम लोग यहाँ पर उसे संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर आंट सैन वो कोई ऐसी है जो कि यहाँ पर हमारे लिए भी संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर उसके करीब रहो और देखना कि उन्हें यहाँ पर हमारे बारे में पता ना चल जाए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर इस बार इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे तो हमारे लिए यहाँ पर आगे जाकर ये चीजें और ज्यादा कठिन होने वाली है। और वो लोग ऐसे ही फालतू की बातें करते हुए लिन और आंट सैन का पीछा करने लगते हैं, जहाँ पर उन लोगों का तो पता नहीं, लेकिन लिन और आंट सैन यहाँ पर एक होटल के सामने आते हैं जो कि एक 5-स्टार होटल था, जहाँ पर उस होटल का खाना खाने के लिए वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, और लिन इसे देखते हुए कह रहा होता है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। तो इस पर आंट सैन कहती है कि तुम चिंता मत करो मैंने पहले से प्लान करके रखा है। तो लिन कहता है कि मुझे पता था कि आंट सैन यहाँ पर पहले से ही डिफरेंट है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तैयारी की होगी। और अगले ही पल हम देखते हैं कि आंट सैन यहाँ पर एक VIP कार्ड को निकालती है, जहाँ पर आंट सैन उस कार्ड को उस लड़की को पकड़ाते हुए कहती है कि मैं इस होटल की एक प्राइवेट और एक VIP मेंबर हूँ, तो यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं बिना लाइन लगे अंदर जाऊँ। जहाँ पर वो लेडी भी कह रही होती है कि अरे अरे क्यों नहीं आपके हाथ में ये कार्ड है और आप अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड है। लेकिन तभी एक पर्सन पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि एक मिनट आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं इतनी देर से यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर पहुंचे कुछ वक्त नहीं हुआ लेकिन तुम लोग अंदर जा रहे हो, मुझे यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, नहीं तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक लीगल एक्शन लूंगा। जिस पर वो वेटरेस बताती है कि माफ कीजिएगा सर, लेकिन उनके पास VIP कार्ड है और उन्हें VIP प्रिविलेज मिल रहा है, तो उनके पास यहाँ पर हक है बिना लाइन में लगे अंदर जाने का। जिस बात को सुनकर ये मोटा कहता है कि क्या VIP, ये क्या मजाक है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अक्सर आता रहता हूँ, तो पहले तुम लोग यहाँ पर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता चला, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या मेरी हैसियत
हैसियत नहीं है कि मैं इसे खरीद सकूं। जिस पर वो वेटर्स घबराते हुए बताती है कि सर मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन ये कार्ड यहाँ पर खरीदा नहीं जा सकता, ये बस हमने कुछ गिने चुने मेंबर्स को ही दिया है जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खास है इस होटल के लिए। जिस पर वो पर्सन कहता है कि आखिरकार VIP प्रिविलेज पाने की क्वालिफिकेशन है क्या, क्योंकि मैं तो यहाँ पर रोज आता हूँ और मेरी हेल्दी शरीर तो यहाँ पर फूल कल आलू जैसी हो चुकी है, तो मेरे को ये कार्ड अभी तक क्यों नहीं मिला। जहाँ पर वो लेडी कम समझाने की कोशिश कर रही होती है लेकिन तभी आंट सान उसे रोकती है और आगे बढ़ते हुए उस मोटे से कहती है कि सर ये मेरा बिजनेस कार्ड है, जरा इसके ऊपर एक नजर डालिएगा। तो इस पर वो मोटा यहाँ पर घबराते हुए आंट सान के कार्ड पर नजर डालता है और वो उसे देखते हुए कहता है कि अरे चेयरमैन ये आप है, मुझे माफ कर दीजिएगा। जहाँ पर वो अगले ही पल कह रहा होता है कि मेरे भाग इतने अच्छे कि यहाँ पर इस फालतू की बकवास की वजह से मुझे यहाँ पर आपसे मिलने का मौका मिला, मेरी किस्मत आज की बहुत ज्यादा अच्छी थी। जहाँ पर वो कॉपरेशन समझकर कार्ड को लेने लगता है तो आंट सान उस कार्ड को रखते हुए कहती है कि नहीं दरअसल मैं ये कार्ड बस अपने इंट्रोडक्शन के लिए दिखा रही थी, ना कि किसी कॉपरेशन के लिए। और वैसे भी अब जबकि आपको यहाँ पर सब कुछ पता चल चुका है तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा जो कि आपको समझाया जाए, तो मैं चलती हूँ। जिस पर वो मोटा कह रहा होता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आपका दिन शुभ हो। जहाँ पर लिन इसे देखते हुए कह रहा होता है कि वाओ आंट सान ने तो यहाँ पर उसकी बिना कहे ले ली। जहाँ पर आंट सान आगे बढ़ते हुए सभी को अंदर चलने के लिए कहती है, जिसके बाद हमें यहाँ पर अंदर के खुलते हुए दरवाजे को दिखाया जाता है। जहाँ पर एक वेटर आंट सान का वेलकम करते हुए कहता है कि आपका स्वागत है हमारे होटल के अंदर। जिस पर आंट सान यहाँ पर उस बटलर से कहती है कि आज के लिए मैं अपने शेफ को अपने साथ लाई हूँ, तो ऐसा कीजिए कि आप यहाँ पर इसे किचन के अंदर ले जाइए, यही यहाँ पर आज के लिए खाना बनाने वाला है। जहाँ पर वो पर्सन कह रहा होता है कि क्यों नहीं मिस, आप जैसा चाहें सर आप हमारे साथ आइए। जहाँ पर लिन कहता है कि हाँ वो तो ठीक है लेकिन मुझे जाना कहाँ है, तो वो बटलर कहता है कि आप यहाँ पर देखिए इस वेटरेस को, ये यहाँ पर आपको आपकी जगह तक छोड़ देगी। जिसके बाद लिन वहाँ से जाते हुए कहता है कि आप सभी थोड़ा वेट कीजिए, मैं थोड़ी देर के अंदर किचन से होकर आता हूँ। जिसके बाद हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो वेटरेस बता रही होती बाकी सारे शेफ को कि ये यहाँ पर हमारे VIP कस्टमर की तरफ से आए हैं और ये यहाँ पर उनके लिए खाना बनाने वाले हैं। जिस बात को सुनकर वो शेफ कह रहा होता है कि क्या लेकिन ये तो यहाँ पर कोई प्रैक्टिस प्लेस नहीं है। जिस पर वो वेटरेस बताती है कि नहीं उन्होंने यहाँ पर बताया कि ये पहले से एक बहुत अच्छे शेफ हैं, तो इन्हें यहाँ पर जो करना है ये खुद ही कर लेंगे, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस बात को सुनकर वो शेफ कहता है कि भले वो यहाँ पर कितना अच्छा भी शेफ क्यों ना हो लेकिन आज वो यहाँ पर अपने फूड के साथ मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि भले वो यहाँ पर कोई भी VIP क्यों ना हो मैं उसके लिए कभी भी खाना नहीं बनाने वाला। और वैसे भी वो अंदर आ कैसे सकता है, तुम्हें मैनेजर से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो इस पर वो लेडी कहती है कि मैंने मैनेजर से बात कर ली है और वो खुद कह रहे थे कि यहाँ पर वो आ सकता है। जिस पर वो शेफ कहता है कि तो ठीक है यहाँ पर अगर ऐसी बात है तो मेरी भी शर्त है उस मैनेजर को बता देना। जिस पर वो वेटरेस कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं मैं उन्हें बता दूंगी इस बारे में। जिसके बाद लिन यहाँ पर एक झींगे को लेता है तो वो शेफ यहाँ पर लिन से पूछ रहा होता है कि तुम क्या बनाने वाले हो, क्योंकि अगर तुम बता दोगे तो मैं तुम्हें सारे के सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड करा दूंगा। जिस पर लिन यहाँ पर कुछ कॉमन डिशेस के नाम लेता है जैसे कि फ्राइड राइस विद मशरूम और तला हुआ लॉबस्टर और ऐसे ही दो चार डिशेस के नाम हो लेता है जो कि तुम्हें खाने के लिए नहीं मिलने वाली, तो जानकर क्या फायदा। जिस बात को सुनकर ये शेफ यहाँ पर अपने साथी से कहता है कि जाकर उसे उसके सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड कराओ। और हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर जो जो पकाने वाला होता है वो सारा सामान वहाँ पर आ चुका होता है। जिसके बाद लिन यहाँ पर मस्त कटाई वगैरह शुरू करता है सब्जियों की और उसके बाद लिन यहाँ पर मस्त पकाने लगता है फ्राइड राइस को। तभी शेफ यहाँ पर लिन से कहता है कि तुम यहाँ पर इसे फ्राई कर रहे हो लेकिन यहाँ पर तुम्हें इस बात को पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर इसके अंदर चिकन है उसे यहाँ पर डीप फ्राई की जरूरत है। जहाँ पर हम देखते हैं लिन यहाँ पर उसकी इस बात को सुनकर बस एक स्माइल करता है और उस शेफ की बात को इग्नोर करते हुए वापस से अपने खाना बनाने वाले काम में लग जाता है। जहाँ पर वो शेफ भी ये देखकर हैरान था। जहाँ पर वो शेफ ये देखते हुए सोच रहा होता है कि ये बच्चा यहाँ पर किसी नौसिखिए की तरीके तो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर इसकी स्किल्स हैं वो यहाँ पर थोड़ी अलग हैं। जिसके बाद लिन यहाँ पर राइस और मीट और वेजिटेबल का इस्तेमाल करके बनाए हुए फ्राइड राइस को मस्त प्लेट के अंदर निकालता है। जहाँ पर वो तीनों के तीनों लोग इस चीज को देखकर हैरान थे कि ये कितना बेहतर स्मेल कर रहा है, तो लिन यहाँ पर उन्हें अलाउ करता है कि वो लोग यहाँ पर देखने के अलावा चाहे तो चक्कर देख भी सकते हैं। तो इस पर शेफ यहाँ पर रिप्लाई करता है कि तो मैं इसे थोड़ा फॉर्मली करना चाहूंगा। और उसके बाद शेफ यहाँ पर मीट के टुकड़े को उठाता है ये देखने के लिए कि क्या ये पका हुआ है या नहीं, लेकिन शेफ यहाँ पर उसके एक बाइट को लेते ही हैरान होता है और वो कह रहा होता है कि ये मीट यहाँ पर इस तरीके से खट्टा मीठा और नमकीन है और यहाँ तक कि ये मीट यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छे से पक चुका है कि ये मुंह के अंदर ही रखते घुल जा रहा है। जहाँ पर लिन उस शेफ से पूछ रहा होता है कि तो तुम यहाँ पर इसे अपनी कुकिंग के साथ किस तरीके से कंपेयर करोगे, जिस पर शेफ यहाँ पर एक नॉर्मल सा आंसर देता है कि हाँ मैं दोनों कुकिंग को कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि मेरे कुक करने का तरीका भी अलग है और तुम्हारे कुक करने का तरीका भी अलग है और वो दोनों तरीके आपस में परफेक्ट हैं, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूंगा कि तुमने इस तरीके की कुकिंग स्किल को कहाँ पर सीखा है, क्योंकि मुझे 20 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका है खाना बनाते हुए लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। जिस पर लिन कहता है कि मैं दावा तो नहीं कर सकता लेकिन ये सब कुछ मैंने खुद ही सीखा है और वैसे भी ये कहना यहाँ पर गलत नहीं होगा कि मैंने भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम को वेस्ट किया है। जिस बात को सुनकर वो शेफ कहता है कि तो फिर ठीक है तुम यहाँ पर मुझे अपने
आगे के कौशल दिखाओ, क्योंकि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर तुमसे कितना सीख पाऊंगा। और हम देखते हैं बाहर का सीन जहाँ पर इनकी मदर आंट सैन से कह रही होती है कि ये यहाँ पर कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि मैं यहाँ पर उसकी बनाई गई एक डिश से काम चला सकती थी। तो आखिरकार आपने यहाँ पर उससे 3-4 डिश और क्यों ऑर्डर करा ली? तो इस पर आंट सैन कहती है कि ये सारी डिशेज यहाँ पर तुम्हारी फेवरेट है और इसके ऊपर यहाँ पर उसे अपनी स्किल को जरूर दिखाना चाहिए, मैं भी यहाँ पर उसे ऐसा करते हुए देखना चाहती हूँ। जिस पर इनकी मदर कहती है कि हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर वो पूरी दोपहर फल बेचता रहा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो यहाँ पर जरूर थक गया होगा। जिस पर आंट सैन कहती है कि किस्मत की बात है कि तुम यहाँ पर इतने सालों तक उससे दूर रही, नहीं तो इतने टाइम के अंदर तुम्हारे द्वारा बिगाड़ दिया गया होता। और वैसे भी एक बेटे के लिए यहाँ पर उसकी माँ के लिए खाना बनाना एक नॉर्मल सी बात है, तो इसमें थकना किस बात का? वैसे मैंने कभी अपनी मदर के लिए खाना नहीं बनाया। वैसे किस किसी ने अपनी मदर के लिए खाना बनाया है? अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो यहाँ पर कमेंट कर मुझे बता सकता है। वैसे एक बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन तब खाना कम और आग का खेल कुछ ज्यादा होने लगा, तो मुझे रसोई से बाहर निकाल दिया गया। जहाँ पर इनकी मदर रोते हुए कह रही होती है कि मैं जरूर उसके हाथ के खाने को पसंद करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर इसके योग्य ही नहीं हूँ। जिस पर आंट सैन कहती है कि रोना बंद कीजिए, और वैसे भी आप यहाँ पर इनकी मदर है तो आपके अलावा और कोई भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर इनके लिए इस वक्त कुछ ज्यादा ही जरूरी हो। जिस पर इनकी मदर कहती है कि आप सही कह रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि आप भी नहीं समझ सकते। जिस पर आंट सैन कहती है कि ठीक है मुझे पता है कि मैं क्यों नहीं समझ सकते, लेकिन यहाँ पर तुम जल्दी से रोना बंद करो, क्योंकि लिन यहाँ पर आता ही होगा और वो तुम्हें रोते हुए देखेगा तो बात बिगड़ सकती है। और वैसे आपका बेटा बहुत ज्यादा ही होशियार है, तो क्या आपको सच में लगता है कि आप इस तरीके से उसे इग्नोर करते हुए यहाँ पर उससे छिपाएंगी? जिस पर लिन की मदर कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर वेटर आ जाती है जो कि हम देखते हैं लिन के द्वारा बनाए उस फ्राइड राइस को लेकर आई थी। जहाँ पर आंट सैन इसे देखते हुए कह रही होती है कि वाह ये बहुत अच्छा बना हुआ है। जहाँ पर लिन की मदर जब एक पीस को उठा रही होती है, तो आंट सैन कह रही होती है कि वैसे भी आपको इसे चक्कर देखना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर किसी ऐसे शेफ के द्वारा तैयार किया गया है जो कि यहाँ पर सिर्फ आपके लिए है। जहाँ पर लिन की मदर उसे टेस्ट करते हुए कहती है कि हाँ ये सच में बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट है। जहाँ पर वो लोग ऐसा ही कह रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर लिन आ जाता है जिसके हाथों में सभी के सभी डिशेज थी, और अभी ये लोग यहाँ पर खाना स्टार्ट करते हैं। और बस उसके बाद हमारा सीन यहाँ पर थोड़ी देर बाद का शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पर यंग फू भी इसे देख रहा था और वो यहाँ पर अपने ड्राइवर को आगे बढ़ने के लिए कहता है। और हम देखते हैं आंट सैन को जो कि यहाँ पर लिन की मदर से कह रही होती है कि वैसे तुम्हारी लियांग फैमिली, मेरा मतलब है कि आंट सैन यहाँ पर अपनी लियांग फैमिली की बात कर रही होती है। जहाँ पर वो कहती है कि यहाँ पर लियांग फैमिली एक बिजनेस ट्रिप पर गई हुई है, तो तुम यहाँ पर मेरे घर रुक सकती हो। तो लिन की मदर कहती है कि दरअसल मुझे माफ कर देना, मैंने पहले से ही होटल बुक कर रखा है। तो आंट सैन यहाँ पर जबरदस्ती लिन की मदर को ले जाते हुए कह रही होती है कि बुक करने से क्या होता है, क्योंकि वैसे भी अकेले रहने से कोई मजा नहीं आता है, तो आपको मेरे साथ चलना चाहिए। जिस पर लिन की मदर कहती है कि तो ठीक है, अगर आपके घर पर कोई नहीं है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। और लिन यहाँ पर इनके इस यार आने को देखते हुए कह रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये लोग यहाँ पर दोस्त हैं, बहने हैं या फिर क्या है, क्योंकि वैसे भी ये लोग यहाँ पर जो भी हैं, इसके बीच में ये लोग मेरे को क्यों ला रहे हैं, ये लोग यहाँ पर अकेले भी तो आ सकते थे। और हम देखते हैं यहाँ का सीन जहाँ पर वो ड्राइवर कह रहा था कि बॉस ऐसा लगता है कि वो लेडी वहाँ पर मिस सैन के घर पर रुकने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अब हमारे रुकने का कोई फायदा है। इस पर यांग फैंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भले ही वो यहाँ पर कहीं भी रुके, लेकिन हम मिस सैन को यहाँ पर बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पर थोड़ा संभल कर रहना होगा इस चीज को लेकर। जिसके बाद हमारा सीन थोड़ी देर बाद का लिन की बस की तरफ का शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन जब अपनी बस से जा रहा था, तभी ये लोग यहाँ पर लिन के बस के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और यांग फू के साथ जो पर्सन होता है उसका नाम यहाँ पर कुंगयांग ली होता है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से लिन को जानता है और लिन भी यहाँ पर उसे जानता है। और लिन यहाँ पर कह रहा होता है कुंगयांग ली क्या वो यहाँ पर मेरे से झगड़ा करने आया है पिछली बार की लड़ाई के बाद? क्या उसके मन में अभी भी ये बात थी कि उसे यहाँ पर मुझसे बदला लेना है? जहाँ पर लिन अपनी बस से बाहर आते हुए कहता है कि शायद ही तुम यहाँ पर उस दर्द को भूले होगे, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इतना जल्दी बदला लेने के लिए आ गए, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें और ज्यादा तोड़ना चाहिए। जिस पर क्विंग यांग लिंग कहता है कि वो यहाँ पर लिन का पीछा नहीं कर रहा है, लिन यहाँ से चला जाए, क्योंकि वैसे भी फिलहाल के लिए उसे यहाँ पर एक नया टारगेट मिल चुका है, तो वो यहाँ पर उसके पीछे है। जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर पीछे घूमते हुए कहता है कि क्या पीछे है, और पीछे यहाँ पर उसकी मदर और आंट सैन खड़े थे। जहाँ पर यांग लिंग लिन की मदर को कह रहा होता है कि आंट आखिरकार आप यहाँ पर हैं। जहाँ पर लिन पीछे घूमते हुए अपनी मदर को देखते हुए कहता है कि क्या क्विंग फैमिली की थर्ड मिस? जहाँ पर लिन घबराते हुए अपने मन के अंदर कहता है कि कोई अब ये मत कह देना कि यही मेरी मदर है। जहाँ पर लिन पीछे घूमते हुए अपनी मदर से पूछता है कि क्या आपका नाम क्विंग युंग यू है? जिस पर लिन की मदर रोने लगती है, तो आंट सैन कहती है कि ओए थोड़ा रिस्पेक्ट से, वो तेरी मदर है, और वैसे भी वो जो तेरे पीछे खड़े है ना, वो यहाँ पर क्विंग फैमिली के थर्ड जनरेशन के बच्चे है, जो की आज यहाँ पर मुझसे मिलने वाले थे, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग यहाँ पर आए ही नहीं।
जसपल इन यहाँ पर आंट सैन से कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, आप दोनों पहले यहाँ से वापस जाइए, मैं यहाँ की चीजों को संभाल लेता हूँ। तो जिस बात को सुनकर यांगली यहाँ पर लिन से कहता है कि लिन आज हम यहाँ पर हमारे बीच के मनमुटाव को यहाँ पर सही करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि मैं तो यहाँ पर अपनी फैमिली के मैटर के सिलसिले में आया था। तो यहाँ पर तुम कोई नहीं होते जो कि हमारे फैमिली मैटर के बीच में पड़ो। जसपल लिन कहता है कि थोड़ा रिस्पेक्ट से, वैसे भी ऐसा लगता है कि तू यहाँ पर सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि ये मैटर यहाँ पर तुम्हारी नहीं बल्कि यहाँ पर मेरी क्विंग फैमिली का है। लेकिन यांग हु यहाँ पर ज्यादा कुछ ना कहते हुए लिन के ऊपर सीधा ही अटैक कर देता है, जहाँ पर वो अटैक तो करता है लेकिन उसका अटैक मिस हो जाता है और लिन यहाँ पर उसके ऊपर किक करता है। तो यांग हु यहाँ पर उसे डॉज करते हुए कहता है कि इसका लेवल यहाँ पर डी तो नहीं है। जसपल लिन आगे बढ़ते हुए कहता है कि यहाँ पर लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास काफी सारी स्किल्स हैं, तो मैं भी यहाँ पर देखता हूँ कि तुम अपने लेवल ABCD के साथ क्या कर पाते हो। जहाँ पर लिन आगे बढ़ते हुए यांग हु को किक करता है तो यांग हु के मुंह से ब्लड आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन की एक किक के अंदर यांग हु बहुत ज्यादा ही पीछे जाकर गिरता है। जहाँ पर लिन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा है कि अब तुम यहाँ पर उसकी तलाश मत करो, उसका यहाँ पर क्विंग फैमिली से कोई भी लेना देना है नहीं, तो तुम यहाँ पर ये चीज अपने दिमाग के अंदर डाल लो, नहीं तो मैं पूरी एंटायर क्विंग फैमिली को आग में जला दूंगा। जिस पर यांग हु कहता है कि यहाँ पर तुम एक ऐसे पर्सन के लिए लड़ना चाहते हो पूरी क्विंग फैमिली से, जिसे कि तुम यहाँ पर अच्छे से जानते भी नहीं हो, और वैसे भी यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर लिन कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें यह सोचने की जरूरत है कि यहाँ पर वो मेरी क्या लगती है, तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर बिना किसी गलती के यहाँ से दफा हो जाओ। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिन की बात को सुनकर वो लोग यहाँ पर घबरा कर चले जाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं आंट सैन लिन की मदर को लेकर आगे आते हुए कह रही होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने यहाँ पर इस लेडी की आइडेंटिटी को गेस कर लिया हो। जिसके बाद लिन की मदर यहाँ पर उसे सफाई देने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने यहाँ पर तुम्हें ऑर्फनेज के अंदर छोड़ दिया था, लेकिन उस वक्त क्विंग फैमिली ने यहाँ पर मुझे क्विंग फैमिली से निकाल दिया था, और इसके अलावा मुझे यहाँ पर तुम्हारे सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा ही चिंता हुआ करती थी, इसलिए मैंने तुम्हें ऑर्फनेज के अंदर छोड़ा, और मैं तुम्हारे सामने आना तो चाहती थी लेकिन अभी परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं अभी तुम्हारे सामने हूँ। जिस पर लिन यहाँ पर उन्हें हक करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, आपने मुझे एक लाइफ दी, यही इतना काफी है मेरे लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनका वहाँ पर रोना धोना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी आंट सैन यहाँ पर लिन की मदर को बताती है कि चलो देर हो रही है, वैसे भी ये सही जगह नहीं है बात करने की। जिस बात को सुनकर यहाँ पर लिन की मदर भी इस पर एग्री करती है, जहाँ पर लिन भी अपनी मदर से कहता है कि आप आगे जाइए और कार के अंदर बैठिए, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर घर आता हूँ। और उसके बाद हमारा सीन वहाँ से मिस्टर रिक्सो के घर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर आंट सैन कह रही होती है कि क्विन फैमिली को पता चलने के बाद कि आप यहाँ पर आ गई हैं, वो लोग जरूर यहाँ पर आपस में कुछ प्लान बना रहे होंगे। जिस पर लिन की मदर कहती है कि हाँ मुझे इस बारे में पता है, इसलिए मैं कल चली जाने वाली हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पर बस लिन को देखने के लिए आई थी, लेकिन अब जबकि मैंने उसे देख लिया है तो मेरे पास यहाँ पर रुकने की कोई खास वजह नहीं है, तो मुझे पहले यहाँ से जाना होगा। जिस पर लिन कहता है कि इसकी कुछ खास वजह नहीं है, वैसे भी यहाँ पर उन्हें दोबारा भी सबक सिखाया जा सकता है, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर दोबारा आते हैं तो मैं आपके लिए उन्हें भगाने में आपकी मदद करूंगा। जहाँ पर लिन की मदर लिन की इस बात को सुनकर अपने मन के अंदर कह रही होती है कि वाह इसका रवैया यहाँ पर बिल्कुल इसके फादर की तरह है, मुझे लगा नहीं था कि इसका रवैया ऐसा होगा। तभी आंट सैन कहती है कि अगर पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो यांग जिंग कोई छोटी जगह नहीं है, क्योंकि लियांग फैमिली की बढ़ती स्थिति के साथ यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल भी चांस नहीं है क्विंग फैमिली से हम लोग यहाँ पर टक्कर ले सके, वैसे भी वो यहाँ पर बस हमारे साथ खेल रहा है। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि आखिरकार उस वक्त हुआ क्या था, जो कि यहाँ पर इतना टाइम बीत चुका है लेकिन अभी भी वो लोग एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर इतने ज्यादा गुस्सा है। तो इस पर लिन की मदर कहती है कि वही चीज करने के बाद जो कि यहाँ पर आज तुमने किया है, तुम्हारे फादर मेरे लिए लड़ाई में यहाँ पर दोनों अंकल से घायल हो गए, और वैसे भी मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ जगह में जो कि ठीक नहीं हो पाए। जहाँ पर आंट सैन कहती है कि उसे बीते हुए 20 साल हो गए थे, लेकिन तुमने यहाँ पर उनके दोनों बेटों को पीट कर यहाँ पर बात को बराबर कर दिया। तो इस पर लिन यहाँ पर घबराते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। जिस पर आंट सैन यहाँ पर लिन की मदर की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारी मदर का इरादा यहाँ पर ऐसा है तो इसे सुलझाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन बात बस इतनी है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली से लड़ना नहीं चाहती। जिस पर लिन यहाँ पर कहता है कि तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा प्लेन यहाँ पर एयरपोर्ट पर खड़ा है, तो बस आपको उसके ऊपर जाकर बैठना है और यहाँ से चले जाना है। जिस पर लिन की मदर कहती है कि हाँ ये सही हो सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर अकेली हूँ और मेरे ऊपर इतना सारा ऑयल बर्बाद करना ये यहाँ पर बेकार होगा। जिस पर आंट सैन कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या था कि इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छा कर रहा है और उसके पास इतना सारा पैसा है कि वो खर्च भी नहीं कर सकता, तो तुम्हें यहाँ पर इसे मना करने की बजाय पहले इसे एंजॉय करना चाहिए ना। जिसके बाद लिन वहां जाते हुए कहता है कि रुकिए मैं एक फोन कॉल कर लूँ उसके बाद आता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर फोन कॉल के बहाने में सिरक्सु के कमरे के अंदर आ जाता है, और जैसा कि लिन ने कहा था कि वो किसी के पास कॉल करेगा तो उसने यहाँ पर मिस रिक्सु के ही पास कॉल की होती है। जहाँ पर मिस रिक्सु उसे उठाती है तो वो एक वीडियो कॉल होती है, और यहाँ पर लिन कहता है कि क्या तुम बिजी हो, तो इस पर मिस रिक्सु बताती है कि यहाँ उन्हें यहाँ पर कुछ नए प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रहा है। जिसके बाद मिस रिक्सु यहाँ पर पूछने लगती है कि वैसे तुम्हारी कंडीशन कैसी है, क्या तुम ठीक हो, और इसके अलावा ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हें मेरे पास कॉल किए बहुत ज्यादा
टाइम हो चुका है, पर मुझे यहाँ पर तुम्हारे बैकग्राउंड में जो तुम्हारा घर है वो तुम्हारे घर जैसा क्यों नहीं लग रहा। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि आप गेस कीजिए कि मैं कहाँ पर हूँ। जिस पर मिस रिक्सो शॉक होते हुए कहती है कि नहीं ऐसा मत कह देना कि तुम यहाँ पर मेरे घर के मेरे कमरे के अंदर हो। जिस पर लिन बताता है कि मैं बस फल बेच रहा था लेकिन तभी हम देखते हैं मिस रिक्सो यहाँ पर लिन की बात को बीच में काटते हुए लिन से कहती है कि वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है और तुम यहाँ पर इस रिश्ते को किस तरीके से संभालने वाले हो। जिस पर लिन कहता है कि अभी तक तो मैंने यहाँ पर इसके बारे में नहीं सोचा है, वैसे भी यहाँ पर सभी की अपनी लाइफ होती है और वैसे भी हम एक दूसरे से बहुत कम मिला करते हैं, तो इस चीज से यहाँ पर इतना ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे अभी ये लोग यहाँ पर लिन के मदर के मैटर के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं, जहाँ पर मिस रिक्सो कहती है कि वैसे भी इतना टाइम बीत चुका है तो यहाँ पर इस मामले को अब तो सुलझाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। वैसे तुम यांग जिंग के मेरे घर के अंदर क्यों आए हो? तो लिन कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस इत्तेफाक से आ गया, लेकिन मैं तो यांग जिंग के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ काम था, इसी वजह से यहाँ पर आया था। और वैसे क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए कोई ऐसी अमीरों वाली जगह को सुझा सकती हो जहाँ पर मैं जाकर अपने फलों को बेच सकूँ, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे दामों पर? जिस पर मिस रिक्सो बताती है कि जिंगताओ सिटी यहाँ पर वो परफेक्ट रहेगी, क्योंकि मैंने सुना है कि हाल ही में वहाँ पर बहुत सारे अमीर लोग रह रहे हैं। जिस पर लिन कहता है कि फिर तो अभी भी आपको जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो रही है। तभी मिस रिक्सो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर कल तुम्हारी मदद के लिए एक जगह के बारे में बताऊंगी तुम्हें जहाँ पर मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, और बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर आराम कर लो क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है और मुझे भी यहाँ पर अभी भी यहाँ पर कुछ फाइल बची हुई जिसके मुझे रिव्यू करने हैं। और बस उसके बाद हमारा सीन वहाँ से अगले दिन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिन जैसे ही सोके उठता है और बाहर आता है तो उसकी मदर कहती है कि जाके मुंह हाथ धोकर टेबल पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए फूड लगा देती हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं लिन की मदर ने टेबल पर काफी सारी चीजों को प्रिपेयर किया था लिन के लिए, जहाँ पर आंट सैन यहाँ पर लिन से कह रही होती है कि तुम्हें इसे खाना चाहिए, तुम्हारी मदर ने इसे बहुत ज्यादा प्यार से बनाया है तुम्हारे लिए। जहाँ पर लिन इस बात को सुनकर अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि आखिरकार उसे यहाँ पर पता कैसे चला कि मुझे नाश्ते के अंदर ये सब कुछ खाना पसंद है। लेकिन तभी लिन की मदर यहाँ पर घड़ी को देखते हुए कहती है कि लगता है टाइम अप हो चुका है, मुझे यहाँ से जाना होगा। जिस पर आंट सैन कहती है कि रुको रुको, तुम यहाँ पर किसी दूसरे के प्लेन से नहीं जा रही जो कि तुमने टिकट ली है और तुम्हें टाइम पर जाना है, यहाँ पर तुम अपने खुद के बेटे के प्लेन से जा रही हो। जिस पर लिन की मदर कहती है कि देर सवेर मुझे कभी ना कभी तो अलग होना ही है तुमसे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितनी और देर करती हूँ। जिस पर आंट सैन कहती है कि तुम फिर से बकवास करने लगी। जिस पर लिन की मदर कहती है आंट सैन से कि आपको पता ही है कि मैं यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर हर साल रुकने के लिए अलग अलग जगहों पर जाती रहती हूँ, और वैसे भी फ्यूचर में शायद ऐसा कभी हो पाए कि मैं यहाँ पर रुक पाऊंगी, और वैसे भी हमारे पास यहाँ पर एक दूसरे से बात करने के काफी सारे तरीके हैं, तो चिंता करने की जरूरत ही क्या है। जिस पर आंट सैन कहती है कि अगर तुम यहाँ पर कई सालों के लिए बाहर जाने की योजना बना रही हो तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा बेटा यहाँ पर तुम्हें जानता है और हमें दिखाया जाता है। किस बात को सुनकर लिन की मदर यहाँ पर थोड़ी खुश होती है, जहाँ पर वो आंट सैन को हक करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर वादा करती हूँ कि मैं डेफिनेटली जल्दी ही यांग चेंग के अंदर वापस आऊंगी। जिस पर आंट सैन कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बात मुझे अच्छी लग रही है। जिसके बाद मिस रिक्सो की मदर यहाँ पर लिन की मदर से कहती है कि जल्दी करो, मुझे लगता है कि टाइम हो चुका है हमारा उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने का। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लिन यहाँ पर अपनी मदर को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुका था और वो यहाँ पर अपनी मदर को बाय कर रहा होता है, जहाँ पर आंट सैन लिन से कहती है कि वो अभी जा चुके हैं तो तुम यहाँ पर खड़े क्यों हो। और बस उसके बाद हमारा सीन वहाँ से पार्किंग एरिया की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर मिस रिक्सो की मदर लिन से कहती है कि पहले यहाँ पर इतनी देर हो चुकी है और अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ कहना है तो तुम यहाँ पर कह सकते हो, वैसे भी इतना शांत रहने का कोई मतलब नहीं है। जिस पर लिन कहता है कि अरे ये बस ऐसा था जैसे कि मैंने ये फैमिलियर फीलिंग यहाँ पर पहले भी फील की है। जिस पर आंट सैन कहती है कि भले उसने यहाँ पर तुम्हें इतने सालों के लिए छोड़ दिया था लेकिन वो यहाँ पर तुम्हारे बारे में नहीं भूली थी, वो यहाँ पर हमेशा तुम्हारे पीछे तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी और उसने यहाँ पर तुम्हें क्या पसंद है इस बारे में भी सब कुछ याद कर लिया, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें कुछ ज्यादा ही फैमिलियर फील हो रहा है। और वैसे भी इस टाइम यहाँ पर तुम्हारे फादर के पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाते, तो इसी वजह से उन दोनों ने यहाँ पर मिलकर तुम्हें ऑर्फनेज के अंदर छोड़ दिया ताकि तुम सुरक्षित रहो। जिस पर लिन यहाँ पर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो कभी मुझसे छिपकर मिलने के लिए वहाँ ऑर्फनेज के अंदर बिल्कुल भी नहीं आए। जिस पर आंट सैन बताती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मदर हमेशा ऑर्फनेज के चारों तरफ रहती थी, जब भी वो यहाँ पर यांग चैंग के अंदर आती थी उनका आधा ज्यादा टाइम वहीं पर बीतता था, बट वो कभी तुम्हारे सामने नहीं आ पाई, वो हमेशा छिपकर बस तुम्हें देखा करती थी। जिस बात को सुनकर लिन कहता है कि वो ऐसा लगता है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलना बंद कर दिया था, और वैसे भी मैं यहाँ पर उस तरीके का पर्सन नहीं हूँ जिसे कि यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सहानुभूति की जरूरत हो। जिस पर आंट सैन यहाँ पर लिन की मदर की तारीफ
जाते हुए कहती हैं कि वे उस तरीके की पर्सन है जिनसे कि आज तक मैं यहाँ पर इस दुनिया के अंदर और दोबारा नहीं मिली, क्योंकि वो यहाँ पर इसी उम्मीद में तुमसे नहीं मिला करती थी कि यहाँ पर तुम उन्हें स्वीकारोगे या फिर नहीं। जसपल इन्हें यहाँ पर थोड़ी उबासी लेते हुए कहता है कि अब यहाँ पर इस फ्लो के अंदर बहने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जिस पर आंट सैन कहती है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ पर तुम लाइफ के प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा अच्छे से समझते हो, तो तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जसपल इन कहता है कि आपकी एडवाइस के लिए धन्यवाद आंट सैन। तो आंट सैन कहती है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो रही हो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जब लिन यहाँ पर जा रहा था तभी यहाँ पर उसके पास किसी का कॉल आता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से किसी ने लिन के पास किया था, और वो यहाँ पर लिन को बता रहा होता है कि जो यहाँ पर ट्रायल है वो स्टार्ट हो चुका है, तो आखिरकार मिस्टर लिन आप हैं कहाँ पर। तो इस पर लिन रिप्लाई करता है कि तुम यहाँ पर इसकी चिंता मत करो, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। जिस पर आंट सैन कहती है कॉल के कट हो जाने के बाद क्या ये ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से था, तो लिन बताता है कि हाँ ट्रायल का आज पहला दिन है ना, तो वो लोग यहाँ पर चाहते हैं कि मैं उनकी जगह पर रहूं। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक कार आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखते हुए लिन कहता है कि ये तो क्विंग फैमिली से बिलोंग करती है ना। जहाँ पर हम देखते हैं उस कार का दरवाजा खुलता है और वहाँ से कोई पर्सन निकल कर बाहर आता है, जिसके अंदर से क्विंग यंग लॉन्ग बाहर आता है जो कि यहाँ पर क्विंग फैमिली का सेकंड जनरेशन का एल्डेस्ट सन है। जहाँ पर आंट सैन उसे देखते हुए कह रही होती है कि यंग लॉन्ग आखिरकार तुम्हें देखे हुए बहुत वक्त हो चुका है। जिस पर यंग लॉन्ग यहाँ पर कहता है कि ये जरूरी नहीं है, क्या यहाँ पर वो लेडी चली गई। जिस पर आंट सैन कहती है कि हाँ वो चली गई, आखिरकार तुम्हारा इससे क्या लेना देना। जिस पर यंग लॉन्ग कहता है कि यहाँ पर आंट सैन आप हमारी कंडीशन के बारे में जानती है कि हमारी क्विंग फैमिली यहाँ पर उसे ढूंढ रही है, तो आखिरकार आप उसे हमसे बचा क्यों रही है। जिस पर आंट सैन कहती है कि यंग लॉन्ग मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे रिश्ते को गलत समझ रही हो, मैं उसे कहाँ बचा रही हूँ, वो यहाँ पर यांग जिंग आई तो मैंने बस उसका स्वागत किया, और जब वो यहाँ से जा रही थी तब मैंने उसे ड्रॉप कर दिया, इसके अंदर कौन सी बड़ी बात है। जिस पर यंग लॉन्ग कहता है कि ये फिर भी बहुत ज्यादा है, आप जानबूझकर इसके अंदर आ रही हैं। जिस पर आंट सैन कहती है कि एक औरत के रूप में मेरे पास शायद ही उसे रोकने की हिम्मत थी। जहाँ पर वो लिन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो दरअसल ये था जिसने कि यहाँ पर उन लोगों को रोका था। जिस पर यंग लॉन्ग कहता है कि तुम बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे मामले के अंदर हमारे फैमिली मैटर्स के बीच में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आंट सैन के सामने अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर तुम उनके सामने ऐसा कुछ कर सकते हो और वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेंगी, तो तुमने यहाँ पर हमारी क्विंग फैमिली को बहुत ज्यादा ही कम समझ लिया। हमारी क्विंग फैमिली यहाँ पर इन सारे मामले को इस तरीके से संभाल सकती है कि आंट सैन भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी। जिस बात को सुनकर लिन भी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं भी इसी चीज का वेट कर रहा हूँ कि आखिरकार तुम जो कि यहाँ पर अपनी ताकत को लेकर इतना कुछ कह रहे हो तुम क्या कर पाते हो। जहाँ पर यंग लॉन्ग के साथ आया वो पर्सन लिन की तरफ गुस्से में बढ़ने लगता है, तो यंग लॉन्ग उसे रोक देता है और वो आगे बढ़ते हुए लिन से कहता है कि तुम यंग मैन मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत है कि तुमने यहाँ पर क्विंग फैमिली के लोगों के ऊपर हाथ उठाया और उसके बाद तुम यहाँ पर यंग लॉन्ग के सामने इस तरीके से एरोगेंटली बात कर पा रहे हो, मैं यहाँ पर इसकी सराहना करता हूँ। लेकिन जबकि मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ, इसका रीजन यहाँ पर मिस सैन है। जिस बात को सुनकर लिन यहाँ पर कहता है कि वो ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर दूसरों के ऊपर भरोसा करने वाला विचार नहीं रखते। लेकिन तभी आंट सैन कहती है कि ब्रदर यंग लॉन्ग आप पहले से बहुत ज्यादा बड़े आदमी है, और इसके अलावा आपके जैसा बड़ा पर्सन यहाँ पर अगर किसी बच्चे के ऊपर हाथ उठाता है तो आपकी इज्जत क्या रह जाएगी, और वैसे भी ये मैटर यहाँ पर आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वो लिन जिंग जैंग के पास कॉल कर सके। और लिन यहाँ पर इस नाम को सुनकर थोड़ा हैरान होता है। जिस बात को सुनकर यंग लॉन्ग यहाँ पर आंट सैन से कहता है कि ये मैटर यहाँ पर हमारी क्विंग फैमिली का है, तो हम यहाँ पर चाहे जैसे मर्जी वैसे इसे ठीक करें, आपका यहाँ पर इसके अंदर कोई बोलने का हक नहीं बनता। जिस पर आंट सैन कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि यहाँ पर जो मैं इसके अंदर आ रही हूँ ये यहाँ पर एक अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें बताना चाहिए कि लिनी और मेरी बेटी यहाँ पर रिलेशन के अंदर है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उसे खड़ा होकर डांट खाता हुआ नहीं देख सकती। जिस बात को सुनकर यंग लॉन्ग यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर एक झूठी स्माइल करते हुए कहता है कि जैसा कि आप यहाँ पर कह रही हैं कि आप यहाँ पर इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ सिवाय आपके सनी लो से यहाँ पर एक हैंड शेक के अलावा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर कितना बेहतर है। जहाँ पर वो दोनों हाथ मिलाते हैं तो यंग लॉन्ग यहाँ पर पता नहीं कौन सी बिजली लिन के अंदर भेजने लगता है, जिस पर हम देखते हैं लिन को गुस्सा आ जाता है और वो भी यहाँ पर। तो इस पर लिन यहाँ पर पिकाचू की बिजली उसके अंदर भेजने लगता है, तो यंग लॉन्ग इसे सुनकर हैरान था और पिकाचू भी। जहाँ पर लिन ऐसा करते हुए कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तभी आंट सैन आगे आते हुए कहती है कि ब्रदर लॉन्ग यहाँ पर हम लोग निकलने वाले हैं, तो आप यहाँ पर कभी और एक दूसरे से हाथ मिलाने वाला गेम खेल लेना। जिस बात को सुनकर यंग लॉन्ग भी यहाँ पर अपने हाथ को पीछे हटा लेता है। जहाँ पर हम देखते हैं आंट सैन वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि अगर हम फ्री हुए तो दोबारा एक दूसरे से बात करेंगे, और बस इसी के बाद हमारा सीन वहाँ से कार की तरफ शिफ्ट होता है। जहाँ पर हम देखते हैं लिन कार के अंदर बैठते हुए कह रहा होता है कि उसका हाथ सच में बहुत ज्यादा ही मजबूत था। जिस पर आंट सैन कहती है कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पर एक सीनियर के तौर पर उसका लेवल बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर तो ऐसा होना ही था कि वो यहाँ पर जरूर स्ट्रांग होगा। और फिर हमारा सीन यहाँ पर यंग लॉन्ग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर उसका बेटा कह रहा होता है कि फादर लगी तो नहीं।
जिस पर यंग लॉन्ग कहते हैं कि नहीं, दरअसल यहाँ पर उसने किसी तरीके से मेरी पावर को ब्लॉक कर दिया और वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो वो यहाँ पर कोई डी लेवल तो नहीं हो सकता। और वैसे भी अभी मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि तुम यहाँ पर उससे हार कर कैसे चले आए थे। वो यहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन नहीं है और तुम्हें यहाँ पर गुस्से में काम लेना नहीं चाहिए। वैसे भी अभी यहाँ पर हान फैमिली और हमारी फैमिली के बीच के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हुए हैं, तो उसकी ये की गई हरकतें यहाँ पर हमारे लिए एक अच्छा सबूत बन सकती हैं। इसी के साथ हमारा सीन यहाँ पर एरोप्लेन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर कोई पर्सन कह रहा है कि तो आप आ गई। जहाँ पर हम देखते हैं लिन की मदर किसी से बात कर रही होती है और वो यहाँ पर उससे कहती है कि मैं यहाँ पर लौट कर आ गई हूँ, और जब मैं लौट रही थी तब मैं यहाँ पर यांगजिंग गई और वहाँ पर मैं अपने बेटे से मिली और हमने यहाँ पर साथ में खाना खाया। जहाँ पर हम देखते हैं तभी कोई पर्सन फोन को ले लेता है और वो यहाँ पर कह रहा है कि क्या आपने डिनर कर लिया है। जहाँ पर लिन की मदर इस साउंड को सुनकर हैरान थी, लेकिन वो थोड़ी देर के अंदर समझ जाती है कि आखिरकार ये पर्सन है कौन, और वो रिप्लाई करती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ पर आंट सैन से मैंने जैसा सुन रखा था वो यहाँ पर वैसा ही है। और वैसे भी हम यहाँ पर भीड़ के अंदर रहकर यह बात जज नहीं कर सकते कि कौन सा पर्सन कैसा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर उससे जाकर एक बार मिलना चाहिए। और इसी के साथ हमें यहाँ पर फेस रिवील कर दिया जाता है लिन के फादर का, जो कि यहाँ पर इनका नाम लिन जिंग हान है, जो कि यहाँ पर कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर मेरे बेटे की डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर वही आइसलैंड है, और ये यहाँ पर तियाल आइसलैंड की बात कर रहे होते हैं जहाँ पर लिन को सच में जाना है ताकि वो सिस्टम का पता लगा सके। जिस पर लिन की मदर कहती है कि हाँ मैं समझ गई, वैसे भी यहाँ पर प्लेन उड़ने वाला है तो मैं आपके पास पहुँच कर यहाँ पर उस बारे में बात करती हूँ। और बस उसके बाद हमें यहाँ पर उस प्लेन के टेक ऑफ को दिखाया जाता है, और बस उसके बाद हमारा सीन वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन के ट्रायल बेस की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं लिन दरअसल आया था ट्रायल के अंदर के लोगों को यहाँ पर अपने ग्रुप के अंदर रिक्रूट करने के लिए। जहाँ पर वो इस चीज को नोटिस करता है कि वो अकेला यहाँ पर लग्जरी गाड़ी के साथ नहीं आया है, बल्कि यहाँ पर काफी सारी लग्जरी गाड़ियों को लेकर आए हैं। तभी लिन यहाँ पर इन दोनों को बात करता हुआ सुनता है, जहाँ पर इस लड़के का नाम चैंग चाउ होता है और वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मैंने सुन रखा है कि यहाँ पर जो ट्रायल है ये यहाँ पर ABC के यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए है, और मैंने सुन रखा है कि यहाँ पर हम सभी ट्रायल ट्रेनीज को यहाँ पर इन्हीं में से किसी ग्रुप के अंदर रिक्रूट कर लिया जाएगा। वैसे भी ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। जिस पर ये लड़की जिसका नाम सिंह यू होता है वो थोड़ा फ्लैक्स करते हुए कहती है कि मैंने भी यहाँ पर इसके बारे में सुन रखा है कि ये सब कुछ यहाँ पर ग्रुप ए के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर बाकी सारे लोग भी ग्रुप ए के अंदर शामिल होने के लिए टॉप रैंकिंग में आने की कोशिश करेंगे ताकि वो शामिल हो सके। जिस पर चाउ चैंग कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ग्रुप ए के टीम लीडर कैसे हैं, लेकिन मैंने सुन रखा है कि वो एक महान व्यक्ति हैं और उन्होंने यहाँ पर अपने हार्डवर्क के दम पर उन्होंने कुछ ही वक्त के अंदर खुद को यहाँ पर इतना ज्यादा प्रमोट करा लिया कि वो यहाँ पर अभी ग्रुप ए के अंदर है। और वैसे भी मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर चाहे कुछ भी कर ले, हमसे भी ज्यादा स्ट्रांग लोग यहाँ पर है, तो मेरा तो यही ट्राई रहेगा कि मैं यहाँ पर ग्रुप बी के अंदर नहीं तो ग्रुप सी के अंदर तो जा ही सकूं। और ऐसे ही वो यहाँ पर बातें करते हुए साउ क्वेंग की तरफ इशारा करता है, जो कि यहाँ पर साउ क्वेंग कभी लिन के साथ कंपटीशन कर रहा था यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को लेकर, और वो बता रहा होता है कि साउ क्वेंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो वो ग्रुप ए के अंदर तो बहुत आराम से चला जाएगा, लेकिन एजिलिटी टेस्ट के अंदर वो यहाँ पर दूसरे स्थान पर था और आप यहाँ पर पहले स्थान पर थे। अब पता नहीं यहाँ पर आप लगा हुआ है तो वो शायद सिस्टर यूई की ही बात कर रहा होगा। जिस पर सिस्टर यूई कहती है कि यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आराम से यहाँ पर ग्रुप ए के अंदर शामिल हो जाएगा और हम यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ पाए हैं, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है। तभी चाउ चैंग यहाँ पर एक लड़की की बात को सुनता है, जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि वो पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा हैंडसम है। तो जिस बात को सुनकर चाउ चैंग यहाँ पर हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार वो कौन है जो कि यहाँ पर खुद को सेलिब्रिटी के तरीके दिखाना चाहता है, मैं यहाँ पर उसे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि दरअसल लिन होता है जिसके बारे में वो लड़की बात कर रही थी, जहाँ पर चाउ चैंग लिन को देखते हुए कहता है कि तो ये यहाँ पर एक जवान खूबसूरत लड़का है। तो यूई भी कहती है कि हाँ मुझे भी लगता है कि वो यहाँ पर बस शो ऑफ करने के लिए आया है।